हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा शुरू करते हैं बायोकेम टेस्ट नंबर 21 और इसमें अपन कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है बेटा दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड सेकंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो दोनों चैप्टर्स को यहाँ पर कवर किया गया है जैसा कि आपने पेपर दिया है और पूरी कोशिश की है कि एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, डेटा बेस्ड हैं, उनको सबको अपन कवर कर लें यहाँ पर। तो टॉपिक छोटा है, आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को एक बार वापस से अपन रिवाइज भी कर दें, हर एक ऑप्शन को, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपका बायोटेक पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाए। ओके, करें स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट डीएनए विद इन रिकॉग्निशन साइट एट द सेंटर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनाया, कॉन्सेप्चुअल है। पूछा क्या है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को पहचान स्थल में और मध्य पर काटता है। तो आप जानते हो बेटा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो डीएनए को पहचान स्थल को पहचानने के बाद कट करेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो पहचान स्थल के अंदर कट करते हैं, कुछ होते हैं पहचान स्थल के बाहर। लेकिन जो उपयोगी हैं वो कौन से हैं? जो पहचान स्थल के अंदर कट करेंगे। और पहचान स्थल के अंदर अगर कोई बिल्कुल सेंटर पे काटे तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा, और जो सेंटर से थोड़ा सा हटकर काटता है तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो कॉन्सेप्ट वही है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा इको आर फर्स्ट जो है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूसिंग है बेटा, वो मध्य में नहीं काटेगा, मध्य से थोड़ा हटके ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। हिंड सेकंड और ये पीवीयू फर्स्ट, ये भी स्टिकी एंड, लेकिन जो हिंड सेकंड है ये बिल्कुल कहाँ कट करेगा? बिल्कुल सेंटर पे। तो ऑब्वियसली जब सेंटर पे डीएनए को कट करेगा बिल्कुल पहचान स्थल में मध्य पर, तो कौन से एंड प्रोड्यूस करता है? ये ब्लंट एंड्स। तभी इसका उपयोग सामान्यतः नहीं लिया जाता, ठीक है? ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है लेकिन ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है और ब्लंट एंड को फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे समझते अपन चलेंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, विच इज माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस, कौन सा सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रम है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेकिंग ब्रेड, मेकिंग वाइन, मेकिंग कर्ड। आपको पता है बेटा ब्रेड का फॉर्मेशन, दही का फॉर्मेशन और वाइन का फॉर्मेशन माइक्रोब के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर सारे क्या है? माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। कुछ मैचिंग दिए गए हैं जो इनकरेक्ट, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ए एम पी आर जीन, तो सब जानते हैं एम पी आर जीन जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर का कार्य करती है, तो करेक्ट मैचिंग है। लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कूटलेखित करती है, कोड करती है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिड क्लोनिंग वेक्टर, ये गलत हो गया बेटा, ये मैच गलत हो गया, क्योंकि प्लास्टिड क्लोनिंग वेक्टर नहीं होते, प्लाज्मिड्स होते हैं। इको आर फर्स्ट स्टिकी एंड्स, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। प्लास्टिड बोले तो क्लोनिंग संवाहक नहीं होंगे, तो आंसर थर्ड। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनमें कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, बिल्कुल सही है, बायोटेक का ही पार्ट है। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, बायोटेक की सहायता से अपन डीएनए वैक्सीन भी डेवलप करते हैं। करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट, जीन थेरेपी आ गया, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस हार्मफुल टू द ह्यूमन, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या होना चाहिए था? यूजफुल। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके, हानिकारक उत्पादों और प्रक्रमों का उत्पादन नहीं करेंगे जो मानव के लिए क्या हो? लाभदायक हो। तो यहां पर ये हानिकारक की वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द एनिमल्स। तो एनिमल सेल में अगर आपको जीन का स्थानांतरण करना है, डीएनए का स्थानांतरण करना है, तो इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है? बिल्कुल याद रखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट देखना, दो तीन बार आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे ताकि याद हो जाए आपके। तो यहाँ कौन होगा? माइक्रो इंजेक्शन। देखो हीट सोक मेथड किसके लिए होता है? बैक्टीरिया के लिए, यही याद रख लो। बायोलिस्टिक मेथड फॉर प्लांट सेल, और जीन गन मेथड भी किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। तो आपको यहां एनिमल सेल के अकॉर्डिंग आंसर देना है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉट यूज्ड फॉर क्लोनिंग इन बैक्टीरिया। अगर आपको बेटा बैक्टीरिया में क्लोनिंग करवानी है, बैक्टीरिया में जीन का स्थानांतरण करना है, तो इनमें से कौन सा वेक्टर काम का नहीं है? वही पूछा है इसने, तो बताओ। प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं,
लैम्डाफेज का उपयोग भी करते हैं एज ए वेक्टर, बैक जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन जो रेट्रोवायरस है उनका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि रेट्रोवायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है, इसका उपयोग करते हैं एनिमल्स के लिए। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। कुछ स्टेटमेंट लिए गए हैं एनसीईआरटी से, आपको यह बताना है कि इनमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, इन दोनों की वजह से ही आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद द डिजायर्ड जीन, बिल्कुल सही बात है। जो अपन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस काम में लेते हैं ट्रेडिशनल, तो उसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो जो प्रोजेनी है उसमें दोनों के जीन जाएंगे, तो जो वांछित है उनके साथ साथ अवांछनीय जीन भी स्थानांतरित हो जाते हैं, जो इसका एक ड्रॉबैक है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू इंट्रोड्यूस ओनली डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इन टू द होस्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसका क्या मेन एडवांटेज है, क्योंकि अपन क्या करते हैं उसकी हेल्प से जो वांछित जीन है उसको विलगित कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसी जीन को क्या करेंगे वेक्टर की सहायता से होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो केवल अपन वांछित जीनों को ही क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अवांछनीय जीनों को सेलेक्ट करेंगे ही नहीं, तो स्टेटमेंट सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड परमिट द वेरिएशंस, स्टेटमेंट देखना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर गड़बड़ कर गया, परमिट वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस नहीं आएंगे, वो कब आते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहां पर आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, तो आंसर इज फोर्थ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, कुछ चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट के नाम से कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं तो वो भी याद हो जाएंगे आपको, इसलिए क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो बताओ सबसे पहले जो आपका कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए था उसका निर्माण किसने किया था, सबको याद है बेटा, कोहेन एंड बोयर, तो आंसर विल बी थर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट करना है। देखो इनकरेक्ट मैचिंग इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं ताकि काफी सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएं, और देखना है बार बार रिपीट होंगे तो आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा धीरे धीरे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोलिकुलर सीजर, बिल्कुल सही मैचिंग है, क्योंकि ये क्या है आणविक कैंसर की तरह काम करते हैं, डीएनए को काटते हैं, डीएनए लाइगेज मोलिकुलर ग्लू, मोलिकुलर गम, मोलिकुलर ग्लू गोंद की तरह कार्य करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। वेक्टर प्लाज्मिड, सही है, वेक्टर जो है प्लाज्मिड वेक्टर का कार्य करता है। हिंड सेकंड एक्जोन्यूक्लियस नहीं होता बेटा, ये क्या होता है एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये इनकरेक्ट मैचिंग हो गया, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। हिंट सेकंड, कट डीएनए मॉलिक्यूलर पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हिंट सेकंड जो है वो डीएनए को काटेगा, अपने पहचान अनुक्रम को पहचानेगा, बाइंड होगा और फिर उसको काटेगा, लेकिन ये जिस पहचान अनुक्रम को काटता है उसमें होते हैं 6 बेस पेयर, कितने 6, और ये क्वेश्चन इसने पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, इन ई को आर फर्स्ट द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, देखो नोमनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आरी का, और नोमनक्लेचर से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको लगभग इस पेपर में मिल जाएंगे सारे। तो ई को आर फर्स्ट के अंदर जो आर है वो किससे डिराइव किया गया है, बड़ा सिंपल है, प्रभेद से, बोले तो स्ट्रेन से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेंड फ्रॉम, जो प्रतिबंधन एंजाइम है उनको किन से प्राप्त किया जाता है, आप तो फंडा याद रखो, प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया में इवोल्व हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, बैक्टीरिया जो है अपनी सुरक्षा करता है किससे, जीवाणु भोजियों से, तो बताओ किसमें मिलेंगे, किससे प्राप्त करोगे, किंगडम मोनेरा ओनली, बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के क्या है, मेंबर्स हैं। किंगडम एनिमेलिया नहीं होंगे बिल्कुल भी, बोथ मोनेरा एनिमेलिया नहीं होंगे, मोनेरा के अलावा बैक्टीरिया के अलावा किसी में भी नहीं होते हैं। यूकेरियोट ओनली नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवाहक सर्वाधिक बड़े विजातीय डीएनए को क्लोन कर सकता है, तो बताओ कौन सा वेक्टर है जिसमें अपन लार्जेस्ट डीएनए को क्लोन करवा सकते हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
सारे वेक्टर हैं, लेकिन यहां पर जो येक है, येक, उसकी जो इंसर्ट साइज है वो सबसे ज्यादा होती है। उसमें अपन लगभग 2000 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या कर सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं। सबकी अलग अलग साइज है। लेमडा फेज की होती है लगभग 25 अप टू 25 किलो बेस पेयर। जो प्लाज्मिड है उसकी होती है 15 किलो बेस पेयर तक। और जो ये भी प्लाज्मिड है, ये भी प्लाज्मिड है, लगभग 15 किलो बेस पेयर। तो ये थोड़े थोड़े आपको ऐसे याद रखने, किसकी लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट की बात करें तो कौन होगा, येक, विच इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन होगा जिनमें दोनों रज्जुओं में अगर समान अभिविन्यास में आप रीड करोगे न्यूक्लियोटाइड के क्रम को तो एक जैसा पढ़ा जाएगा। तो देख लो आप बेटा, इसमें देखो GGA, GGA, TCC, TCC। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए दोनों को रीड करने की, एक, या तो 5 प्राइम हो या 3 प्राइम, लेकिन दोनों को एक ही ओरिएंटेशन में रीड करना होगा। तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बाकी में ये जो है नहीं हो रहा। विच इज इनकरेक्ट अबाउट द नेम ऑफ इक्वार। फर्स्ट आ गया ना नोमेनक्लेचर का, वापस आ गया इक्वाराई के नाम के बारे में, कौन सा गलत है, जो गलत है उसको सेलेक्ट करना है। ई एंटेरो, यही गलत हो गया बेटा। ई जो है वो किससे डिराइव किया गया है, ये जीनस जो होता है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है। एंटेरो इसका जीनस नहीं है, इश्चेरिसिया होता है। सीओ कोलाई सही है। आर RY13 प्रभेद है। आई आइसोलेटिंग ऑर्डर है, किस क्रम में उसको आइसोलेट किया गया। तो यहां पर आर इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। FB का पूरा नाम सबको मालूम है बेटा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट, वही आ गया इनकरेक्ट। इनमें कौन सा है तो देखें स्टेटमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एंडोन्यूक्लिएज, बिल्कुल सही बात है ये। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट, बिल्कुल सही है, डीएनए को काटेगा, डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। इसको डेवलप क्यों किया गया है बैक्टीरिया ने, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तभी बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एड मिथाइल ग्रुप ऑन डीएनए, ये काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नहीं है, ये काम होता है मिथाइल ट्रांसफरेज का। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एनसीईआरटी के डेटाबेस क्वेश्चन आ गया। टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, डायरेक्ट याद रखना है, मोर देन ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखें कौन से ऑप्शन में है ये, ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, कर लोगे तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। सही मिलान को सुनिए, सही मिलान वाले फिर वही क्वेश्चन आ गया, सुपर बग सुडोमोनास पुटीडा, बिल्कुल सही मिलान है बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए ऐड किया गया है। एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन भी पूछा गया है, सुडोमोनास पुटीडा जो होता है बेटा, ये क्या होता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, जिसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ओके। और सुडोमोनास पुटीडा जो क्रूड ऑयल वगैरह होते हैं उनको स्पिल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसका उपयोग बायोरिमेडिएशन में किया जाता है, जैव सुधार में बोले तो पोल्यूशन को कम करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो इसे क्या कहते हैं अपन, सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन राइस विटामिन सी, गलत मिलान हो गया है बेटा ये। गोल्डन राइस में क्या होना चाहिए, विटामिन ए। पेटेंट क्वेश्चन है नीट का, विटामिन ए वाला गोल्डन राइस आएगा, मिलेगा आपको 2-3 बार, ये ताकि याद हो जाए। जीन गन बैक्टीरियल सेल के लिए उपयोग में नहीं लेते हैं, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण में परंपरा अनुसार पहला अक्षर, देखो वही नोमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे बेटा अपन, क्योंकि यही तो है 100 क्वेश्चन में आपके पूरे चैप्टर को कवर करना है। तो बताएं जो फर्स्ट लेटर है वो किससे आया है, पता है बेटा, जीनस, यहां मेंशन करो जीनस। और जो टू लेटर है, सेकंड टू लेटर, वो किससे डिराइव्ड होते हैं, स्पीसीज से। तो देख लो यहां पर जीनस एंड स्पीसीज रेस्पेक्टिवली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वही क्वेश्चन आ गया, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था उसमें एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को जोड़ा गया था, लेकिन किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, और प्लाज्मिड किससे आइसोलेट किया गया था, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। एंटीबायोटिक विद ए नेटिव प्लाज्मिड, किसके प्लाज्मिड के साथ, तो वो प्लाज्मिड किससे ऑब्टेन किया गया था, याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग क्या है बेटा,
डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना, किसके आधार पे, साइज के आधार पे। तो देखो कटिंग डीएनए इनटू, ये नहीं होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो आंसर सीधा हो जाएगा आपका सेकंड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड्स, सबको मालूम बेटा जैसे अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं इससे दो चार क्वेश्चन ही बनते हैं, देख लो अभी करवा देता हूं। ये क्या है, ये हो गया वेल जिसमें अपन सैंपल को लोड करते हैं, यहां पर लगाएंगे कैथोड और यहां पर लगाएंगे एनोड। जैसे डीएनए सैंपल डाल दोगे इसमें जो आर से डाइजेस्ट किया गया है, डीएनए मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि उन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, यहां चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो डीएनए मॉलिक्यूल नेगेटिव है इधर मूव करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, बैंड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि उन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो आप देखें टुवर्ड्स एनोड हो जाएगा यहां पर बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो देख लो यहां पर एनोड और नेगेटिव रेस्पेक्टिवली, तो यहां ए बी क्या है, एनोड और नेगेटिव। ओके, पीसीआर में ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज पृथक किए जाते हैं, किससे पृथक किए जाते हैं, जो अपन यूज करते हैं वो है टैग पॉलीमरेज, और वो किससे आइसोलेट किया गया है, थर्मस एक्वेटिकस, और वो कौन होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है, तो सीधा आंसर करो बैक्टीरिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। रिकॉग्निशन साइट इन प्लाज्मिड हैव 2 किलो बेस पेयर, तो इसने सिंपल सी बात की है, ये प्लाज्मिड आपके पास बेटा, देखो इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको समझ लेना, और भी इससे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर होता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो इस प्लाज्मिड में वो कह रहा है कि कितने बेस पेयर हैं, टोटल 2 किलो का मतलब हो गया बेटा 2000 बेस पेयर हैं, कितने 2000 बेस पेयर। अब वो कह रहा है कि 500, 800, 1300 और 2000 बेस पेयर पे क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स है, जहां पर आरी क्या करेगा, काटेगा, तो लेबल कर लो, या सिंपल क्वेश्चन है, ये मान लो यहां पर 2000 मान लेते हैं, 1, 2, 3 सर्कुलर हो गया ना। ये कह रहा है कि एक साइट तो है किस पे, 500 बेस पेयर पे, एक रिकॉग्निशन साइट किस पे है, देखो यहां पर बता रखा है 800 बेस पेयर पे, एक बता रखी है 1300 बेस पेयर, और एक है कहां पर 2000 बेस पेयर। कुछ नहीं करना आपको, डीएनए को कट करना है, आरी आएगा, जहां जहां साइट होंगी वहां वहां डीएनए को क्या करेगा बेटा, कट करेगा। अभी करवा के देखते हैं, तो डीएनए को कट करवा के देखो बेटा, यहां कट हो जाएगा, यहां कट, यहां कट, यहां कट, तो देख लो कितने खंड प्राप्त होंगे, 1, 2, 3, 4, तो इससे चार तो फ्रेगमेंट मिलेंगे, लेकिन फ्रेगमेंट जो है वो अलग अलग साइज के होंगे। ये वाला फ्रेगमेंट कितने साइज का होगा, देखो 300 बेस पेयर का, ये वाला फ्रेगमेंट जो है देख लो कितनी साइज का होगा बेटा, आपके सामने है, ये होगा 500 बेस पेयर का, ये वाला फ्रेगमेंट कितनी साइज का होगा, ये 500 बेस पेयर का, और ये वाला फ्रेगमेंट देखो 1300 और ये 2000, तो ये हो जाएगा आपका 700 बेस पेयर का। कर लोगे, अब देखो अलग अलग साइज के हो गए, तो दो तो सेम साइज के हैं, 500 500, ये 300, ये 700, जब इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाओगे तो आपको कितने बैंड दिखाई देंगे, 3 बैंड, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, सेपरेशन। तो आप किस आंसर पे जाओगे, ये पूछा है ना, आफ्टर ट्रीट विद आरी विजुअलाइज इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बताओ आंसर क्या होगा, 3 बैंड होंगे, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। कर लोगे, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए स्ट्रेंड्स ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन सीन बाई, वही आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, आप टेंशन ना लो, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, सारे कवर हो रहे हैं, तो आप बताओ अगर उनको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूवी रेडिएशन को उस पर इमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यूवी रेडिएशन में ही क्या होगा, आपकी ईटीबीआर जो है वो कलर प्रोड्यूस करेगी, कौन सा, ब्राइट ऑरेंज, तो सीधा आंसर करो बेटा यहां पर यूवी रेज। ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाई द इफेक्ट, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल बनाते हैं वो होती है एगरोज की, और एगरोज में क्या होते हैं बेटा, माइन्यूट पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू ही डीएनए क्या करेगा, रन करेगा, तो ये छलनी प्रभाव प्रदान करती है, कौन सा, सीविंग इफेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीविंग। टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, देखो वहां तो पूछा है कि बैक्टीरिया था, लेकिन यहां आपको नाम बताना पड़ेगा, कौन सा बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस, कौन सा, थर्मस एक्वेटिकस। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन नीट में। विच टेक्नोलॉजी यूज फॉर इंटरेस्ट जीन एम्पलीफिकेशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, अगर आपको डीएनए का एम्पलीफिकेशन करवाना है, जीन का एम्पलीफिकेशन करवाना है, तो क्या यूज में लेते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन।
पीसीआर के दौरान दो समुच्चयों प्राइमर्स का उपयोग होता है, बिल्कुल यूज करते हैं पीसीआर में अपन, प्राइमर्स का उपयोग करते हैं। प्राइमर्स क्या करते हैं अपन, केमिकली उनका निर्माण करवाते हैं लैब के अंदर। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। तो देख लो कहां किस पे जाओगे आप, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्या है ये, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। हाउ मेनी पीसीआर साइकिल कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग 1024, 1024 अगर आपको डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त करने हैं एक डीएनए से, तो कितने साइकिल, तो आपको पता है बेटा एक डीएनए मॉलिक्यूल है मेरे पास, पीसीआर का एक साइकिल चलाओगे तो आपको कितने डीएनए मॉलिक्यूल मिलते हैं, दो डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसे साइकिल चलाते रहो, दूसरा साइकिल दो से चार, तीसरा साइकिल चार से आठ, फॉर्मूला याद रखो 2 की पावर n, n क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, तो अगर आपको 1024 डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त करने हैं तो आप 10 साइकिल चला के देखो बेटा 2 की पावर 10 कितने हो जाएंगे 1024, तो कितने साइकिल चाहिए आपको, 10 साइकिल चलाने पड़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, याद करने के ही एग्जाम्पल है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा, याद रखना क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी ये कंट्रोल करती है किसको, कॉटन बॉलवर्म को, किसको, कॉटन बॉलवर्म, तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ओके, ट्रांसजेनिक राइस हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज द कंटेंट ऑफ, रटा रटा है क्वेश्चन है, नीट का पेटेंट क्वेश्चन है, उसमें किसका कंटेंट ज्यादा किया जाता है, विटामिन ए का, तो आंसर करो इसमें सीधा विटामिन ए। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट रेजिस्टेंट टू, किसके लिए, निमेटोड्स के लिए, एग्जाम्पल भी आएगा आगे, वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए, बिल्कुल सिंपल है, डीएनए जो है उसके माइक्रो पार्टिकल पार्टिकल बनाएंगे, उसके साथ कुछ कोटिंग की जाती है, कोटिंग के लिए क्या काम में लेते हैं बेटा, टंगस्टन एंड गोल्ड, गोल्ड और टंगस्टन के साथ उसको कोट किया जाता है, तो देख लो इसमें गोल्ड या फिर टंगस्टन, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। टीडीएनए फॉर जीन ट्रांसफर इज प्रेजेंट इन, सबको पता है बेटा एग्रो बैक्टीरियम टूमीफेसियन बैक्टीरिया है, उसमें खुद का जीनोम है, एक प्लाज्मिड होता है जिसको अपन बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा डीएनए का पार्ट है जिसको बोलते हैं टीडीएनए, जो ट्रांसफर होता है किसमें, होस्ट सेल के अंदर, तो आंसर हो जाएगा आपका सीधा पूछा इसने, तो बोलो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old girl with ADA deficiency, अभी स्किड वाला जो है वो दे रखा है तुम्हारे जीन थेरेपी, उसके भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, सारे आ जाएंगे इसके अंदर, तो बताओ कौन सी जीन थेरेपी का उपयोग किया गया था, और सबसे पहले जीन थेरेपी का उपयोग हुआ था 1990 में, एक 4 साल की लड़की जो थी उसमें था ADA deficiency, बोले तो स्किड डिजीज, और उसको क्योर करने के लिए इसका उपयोग किया गया था, कर लोगे याद इसको, थर्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्री हार्मोन प्रो इंसुलिन इन द मैच्योर इंसुलिन, बड़ा सिंपल है बेटा, जो आपका इंसुलिन होता है जब बनता है तो उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन, ये है ए, ये है बी और ये है सी चेन, ओके, ये है प्री, बोले तो ये प्राक होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है तो इसमें से सी चेन को निकाल दिया जाता है, तो केवल क्या बचेंगे इसमें, ए चेन और बी चेन, और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए चेन और बी चेन जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, और इसमें होते हैं 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 तो हो गए इन चेन के मध्य और एक होता है किसमें, ए चेन के अंदर, ये तो इंटर और ये हो गया इंटरा, ठीक है कर लोगे, तो यहां देखो क्या किया जाएगा प्रोसेसिंग के दौरान, सी पेप्टाइड जो है उसको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, सेकंड आंसर हो जाएगा। अरेंज द स्टेप अकर्स इन पीसीआर, पीसीआर में जो साइकिल चलेगा उसमें 3 स्टेप होती हैं, और जो 3 स्टेप्स हैं उनमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो देखो कौन सा होना चाहिए, पता ही तुम्हें, सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये डीएनए, उसका होता है डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके बाद में क्या करेंगे, प्राइमर एड कर देंगे, एनिलिंग, उसके बाद में एक्सटेंशन, तो सीधा करो आप डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, सेकेंड आंसर। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अपन मॉडर्न टेक्निक्स काम में लेते हैं, जिनमें सारी आ गई, ये भी है, ये भी है, जीन थेरेपी भी है, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ आंसर।
How many documented variety of basmati rice are grown in India? 27. Direct याद रखना है. यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात पोषी कोशिका में व्यक्त होता है तो इसे कहते हैं. सबको मालूम है बेटा, अगर कोई होस्ट है आपने उसमें क्या कर दिया, आरडीएनए ट्रांसफर कर दिया. ये देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके अंदर आपकी फॉरेन जीन है. फॉरेन जीन क्या होगी, अभिव्यक्त होगी, एक्सप्रेस होगी, जो प्रोटीन बनाएगी उसी को बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि इस जीन के लिए ये होस्ट क्या है, हेटरोलोगस है. तो सीधा आंसर करो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोले तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Which one is wrong about GM crop? जो genetically modified crop है उनके संदर्भ में आपको जो wrong है उसको select करना है. First देखो, genetic modification made crop more tolerant to abiotic stress. बिल्कुल सही है. Abiotic stress के लिए क्या करेगा, ज्यादा उसको सहिष्णु बनाएगा, more tolerant बनाएगा. Help to increase post harvesting losses को increase नहीं करेगा बेटा, decrease करेगा. कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा. तो ये इसका उपयोग नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. तो आंसर वैसे आपका सेकंड हो ही गया, बाकी बिल्कुल करेक्ट है. मिनरल एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करेगा. इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिसमें आपका गोल्डन राइस का एग्जांपल आ जाता है. ओके, आंसर हो जाएगा सेकंड इसमें. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेनली इंक्लूड्स, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में मेनली क्या होता है बेटा, एक तो सेपरेशन और दूसरा प्योरीफिकेशन. सीधे आंसर पे जाओ, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस हेल्पफुल इन, जब भी आपको वेक्टर वगैरह का यूज करना है तो उसमें अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाते हैं. जो आपका वेक्टर है उसमें होती है सेलेक्टेबल मार्कर जीन, और उस मार्कर जीन के अंदर अपन क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, ताकि आगे जाके आपको पुनर्योगेज और अपुनर्योगेजों में पहचान हो जाए. तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स, जो पुनर्योगेज है उनका चेन करने में इसका उपयोग किया जाता है. आंसर हो जाएगा थर्ड. Which one of the following enzyme cannot be used in isolation of DNA? तो जब भी आपको DNA का isolation करना है कोई cell से बेटा, तो उसमें कुछ enzyme काम में लिए जाते हैं. एक बार समझ लो इसको, cell wall को break करना है तो different type की cell हो सकती हैं, तो lysozyme काम में ले सकते हैं अगर bacterial cell है, chitinase अगर fungal cell है, और अगर plant cell है तो cellulase enzyme. और आरएनएज भी काम में लेंगे, बाद में प्रोटीज काम में लेंगे, लाइपेज काम में लेंगे, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग नहीं करेंगे. डीएनए पॉलीमरेज का कोई उपयोग नहीं होता है. डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग तो डीएनए को अगर आपको एम्पलीफाई करवाना है तब यूज में लेते हैं, तो सेपरेशन इसका कोई रोल नहीं है. तो आंसर सीधा करो यहां पर सेकंड. व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टीरिंग टाइप बायोरिएक्टर. आपके एनसीईआरटी में बायोरिएक्टर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है. बायोरिएक्टर में देखो दो डायग्राम दिए हैं, एक तो बता रखा आपका सिलेंड्रिकल और दूसरा जो है रेक्टेंगुलर. तो सिंपल सी बात है, इनमें बताओ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है. पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होता है, पीएच को कंट्रोल करते हैं. बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, तो बबल जो है वो डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे. यहाँ इंक्रीज होता तो करेक्ट होता, लेकिन ये कह रहा है डिक्रीज, तो यहां होना चाहिए था इंक्रीज, क्योंकि जो बबल्स बनेंगे, बबल के थ्रू जो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे वो क्या करते हैं, उसके एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा आपका, इनकरेक्ट कौन होगा, थर्ड वाला हो जाएगा. ओके, एजिटेटर सिस्टम होता ही होता है जो उनको मिक्स करने में हेल्प करता है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप यूज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया. जब हीट शॉक मेथड की बात आती है तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है उनको ट्रीट करते हैं 0°C टेम्परेचर पर रखेंगे, उसके बाद में हीट शॉक बोले तो 42°C, उसके बाद वापस उसको 0°C पर ले आएंगे बोले तो आइस में ले आएंगे. तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, देखो आइस 42 आइस, तो आंसर हो जाएगा सेकंड. व्हिच पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन. अभी देखो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अभी दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे उस पर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. तो बताओ कौन सी मैच्योर इंसुलिन में नहीं होती है, सी पेप्टाइड नहीं होगी, बाकी ए और बी प्रेजेंट होती है. तो आंसर हो जाएगा थर्ड. नेचुरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्राकृतिक रूप से इनका क्या कार्य होता है, ये प्रोटेक्शन करते हैं किससे, जीवाणु भोजी से. और किसको प्रोटेक्ट करते हैं, जीवाणुओं को. तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरियोफेज बोले तो जीवाणु भोजी. ओके, बायोटेक्नोलॉजी असेंशियली लीड्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड. तो अगर आपको
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑप्टेन करने हैं, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑप्टेन करने हैं, तो आपको क्या करवाना होगा बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको मॉडिफाई करवाओ। अब उनमें अपन बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं, फंगस भी यूज कर सकते हैं, एनिमल भी कर सकते हैं, प्लांट भी, बोले तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ आंसर देखिए क्या होगा, ओनली लगा दिया नहीं हो सकता, तो यहाँ पर माइक्रोब्स भी हैं, फंगस बट नॉट प्लांट, ये गलत हो जाएगा। माइक्रोब यूज करो, फंजाई करो, प्लांट्स करो, एनिमल, सारे काम में ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड है देखें, थेरेपेटिक्स है, डायग्नोस्टिक है बट नॉट बायोडिमेशन, गलत हो गया, ये भी इंक्लूड होती है। वेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन बट नॉट, ये गलत हो गया, सारे इंक्लूड है। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल सही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोरिमेडिएशन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड। डायग्नोस्टिक प्रोसेस्ड फूड बट नॉट थेरेपेटिक्स, तो यहाँ सीधा आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड, बिल्कुल सिंपल पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। आपके बायोटेक में एप्लीकेशन वाले पार्ट में स्टार्टिंग में कुछ रिसर्च एरिया दिए हैं, और कितने रिसर्च एरिया हैं, थ्री रिसर्च एरिया हैं, और इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई, बिल्कुल आपको डीएसपी करनी पड़ेगी, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग काम में लेनी पड़ेगी, बोले तो जीन को ट्रांसफर करना होगा, फिर प्रोडक्ट को ऑप्टेन करना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। क्रिएटिंग ऑप्टीमल कंडीशन, बिल्कुल सही, ऑप्टीमल कंडीशन दोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, होस्ट सेल जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रो, बिल्कुल करेक्ट है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अगर्स सही है बट विदाउट सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन नहीं होगा बेटा, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फोर्थ जो है वो क्या है, इनकरेक्ट हो गया, यही आपको सेलेक्ट करना था। इफ जीन ऑफ प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन देन दे आर कॉल्ड, तो अगर उसमें कोई चेंजेस ले आएंगे अपन, जीन को इंसर्ट कर देंगे, तो अपन उनको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके, GMO, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, एक्सप्लांट नहीं हो सकता, जीन म्यूटेशन से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा आपका, क्या बोलोगे, ट्रांस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें सारे इंक्लूड हो गए। ओके, इफ जीन्स ऑफ प्लांट बैक्टीरिया फंजाई, ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई ए, बीटी टॉक्सिन जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। देखो बेटा, बीटी बोले तो बेसिलस थुरिंजियन से, जो क्या होता है, बैक्टीरिया, आंसर करो सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट बेसिलस थुरिंजियनसिस, तो बीटी के रेस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग है, देखें, फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, बिल्कुल सही, एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज में क्या करेंगे, बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करेंगे। बीटी प्रोटीन इज इंसेक्टिसाइडल, बिल्कुल करेक्ट है, दे किल ओनली लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट, ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि ये डिप्टेरन और आपके लेपिडोप्टेरन भी आ गए, कोलियोप्टेरन भी आ गए, उनको किल करते हैं, तो ये ओनली लगते क्या हो गया यहाँ पर, ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोक्सिन, बिल्कुल करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग आपको सेलेक्ट करना है, थर्ड इज रॉन्ग। द एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड टू, देखो बीटी टॉक्सिन वाला जो टॉपिक है, इंसेक्टिसाइडल जो प्लांट्स हैं उनमें 5-6 क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, वो सारे के सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। एक बार पेपर अच्छे से आप कवर कर लोगे, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा नीट में, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है अपन ने। मिडगट एपिथेलियल सेल, बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही सही हो गया, जो बीटी टॉक्सिन है वो मिडगट, जैसे इंसेक्ट की मिडगट में जाएगी, वहां पर ड्यू टू एल्कलाइन पीएच क्या हो जाएगी, एक्टिवेटेड, और एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद आपको पता है क्रिएट पोर, एंडोऑस्मोसिस, स्वेलिंग होगी, ब्रस्टिंग होगी, और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाई, सीधा आंसर है बेटा क्राइजिन, क्राइजिन कोड्स फॉर बीटी टॉक्सिन और क्राई प्रोटीन, इनको मिलान करना है, इनका बड़ा सिंपल है बेटा, देखो क्राई फर्स्ट एसी, तो क्राई फर्स्ट एसी जो है किसको कंट्रोल करता है, अभी थोड़ी देर पहले आया था, अब ये मैचिंग में आ गया, देखो 2-3 बार आएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। क्राई फर्स्ट एसी किसको कंट्रोल करेगा बताओ, कॉटन बोलवर्म। क्राई फर्स्ट एबी जो होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। क्राई सेकंड जो एबी है वो कंट्रोल करेगा किसको बेटा, ये भी कॉटन बोलवर्म को। गोल्डन राइस किससे मैच करोगे, विटामिन ए से, फंगस से कोई मतलब है नहीं, कोई रिलेटिव नहीं होगा इसका। अब बताओ मुझे ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, यहां देखें ए, ए में हो जाएगा आपका सेकंड, बी में हो जाएगा फर्स्ट,
ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी में आप करोगे सेकंड, सी में सेकंड, तो ये ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल मैच करेगा। देखना डी में क्या है, थर्ड है, तो आंसर इज थर्ड। क्लियर। ए नोवल स्ट्रेटेजी वॉज एडोप्टेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया। सिंपल सी बात है, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है डेवलप की गई है, वो है आरएनएआई। बोले तो आरएनए इंटरफेरेंस, लेकिन ऑप्शन में देखो बेटा आरएनएआई भी दे दिया, आरएनए इंटरफेरेंस भी दे दिया, लेकिन फोर्थ ऑप्शन पे जाना होगा आपको, मोर देन वन करेक्ट। तो ये एक ही बात है, आरएनएआई कर दो या आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर जो सूटेबल जो आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ही होगा। ओके, यूजिंग बैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस। अच्छा क्वेश्चन बनाया है। जैसे आप जीन्स को, डीएनए को होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाते हो, उसको इस प्रकार से एंटर करवाएंगे कि वो एक तो सेंस आरएनए बनाए, एक एंटी सेंस, तभी तो क्या होगा बेटा डीएस आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और वही क्या करेगा जो आरएनए आई है उसको इनिशिएट करवाएगा। तो देख लो सिंपल हो जाएगा, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन एग्रोबैक्टीरियम। लेकिन देखो लोचा हो गया यहाँ, एग्रोबैक्टीरियम में नहीं, किसमें होना चाहिए, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, तो इसलिए मिस्टेक नहीं करनी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। द रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का आजकल बहुत यूज होने लग गया, एफिशिएंट होती है, कोई एलर्जी कॉज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। टू नॉट फंक्शन इन बॉडी, गलत हो गया, फंक्शन करती है बॉडी में। इंड्यूस एलर्जी, एलर्जी इंड्यूस नहीं करेंगे। डू नॉट इंड्यूस अनवॉन्टेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, तो ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, और इनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसने तो क्या बोला है, बॉडी एंटीबॉडी जनरेट, तो आंसर फोर्थ पे नहीं जाएंगे अपन, किस पे जाएंगे, थर्ड पे। प्रो इंसुलिन इज डिफरेंट फ्रॉम मैच्योर इंसुलिन। देखो दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रो इंसुलिन क्यों डिफरेंट है मैच्योर इंसुलिन से, क्योंकि प्रो इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड प्रेजेंट है और मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड एब्सेंट होती है, तो आंसर करोगे क्या, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन, अभी बताया था मैंने कितने होते हैं, तीन होंगे, दो तो उनके बीच में होंगे, एक होगा ए चेन में, तो टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, थ्री, आंसर हो जाएगा थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो इंसुलिन के सारे क्वेश्चन लपेट लेंगे अपन, कोई बचेगा नहीं। प्रो इंसुलिन हैज ए बी और सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है, प्रो की बात कर रहे हैं। प्रो इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हॉर्मोन, बिल्कुल सही है, इसकी प्रोसेसिंग करनी जरूरी होती है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होती, तो आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा। पूछा क्या है, इन करेक्ट, प्रेजेंट इन सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये नहीं होगा। थर्ड जो है वो तो सही है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पेप्टाइड चेन, दोज आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। इस पे ध्यान देना होता है, कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, अभी मेरे से हो जाती है मिस्टेक। इनकरेक्ट क्या बोला है, इनकरेक्ट, तो इन ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है ये। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम दे रखा है, जेल बना रखी है, इसके डायग्राम में देखो बेटा ये वेल्स हैं, इनमें डीएनए क्या कर रखा है, रन करवा रखा है। इसने पूछा क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए जो है वो किसमें प्रेजेंट है, जहां डाइजेशन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली जहां पर आपको डिफरेंट बैंड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वहां डीएनए में क्या हुआ, कटिंग हुई है, तभी तो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग बैंड आई। लेकिन यहां देखो, यहां लैन फर्स्ट जो है, ये लैन जो है फर्स्ट, यहां पर डीएनए क्या है, अनडाइजेस्ट, उसका एक ही बैंड आपको विजिबल हो रहा है, तो लैन फर्स्ट में क्या है, अनडाइजेस्टेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट विद इन टेट्रासाइक्लिनेस्टेंट जीन। बेटा पीबीआर 322 के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे अब, सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आता है पीबीआर 322 से, पीबीआर 322। ओके, तो मुझे बताओ पीबीआर 322 में कितनी सेलेक्टेबल मार्कर हैं, अभी याद करवा देते हैं, बाकी फिर बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो है एएमपीआर जीन और दूसरी होती है टीईटीआर जीन, कर लोगे टू सेलेक्टेबल मार्कर। अब जो टीटीआर जीन है बेटा, उसके अंदर देखो दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट है, ये वाली साइट जो है वो है, होती है फॉर बाम
H1, ये है किसके लिए? फॉर साल वन। इसके अंदर भी दो हैं, एक तो किसके लिए है PVU फर्स्ट, और दूसरी वाली किसके लिए बेटा PST फर्स्ट के लिए। इसके पास एक जीन और होती है, रोप जीन। कौन सी जीन है ये? रोप जीन। और इसके अंदर भी साइट होती है किसके लिए? PVU सेकंड के लिए। इसके अलावा तीन रेस्ट्रिक्शन साइट और हैं। कर लोगे याद? ये डायग्राम पूरा याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। इको आर फर्स्ट, एक किसके लिए है? क्ले फर्स्ट। कर लोगे ये सब? और एक होती है किसके लिए? हिंड थर्ड के लिए। मैंने बोल दिया, याद होने भी चाहिए आपको। अब देखो पूछा गया इसने, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसमें कौन सी साइट है इनमें से? देखो बेटा, बामेचवन है और साल्वन है। यहां पर साल्वन दे नहीं रखा, केवल क्या है? बामेचवन। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट हो जाएंगे आपके। रोप जीन अभी बताया था, रोप जीन प्रेजेंट होती है। रोप जीन जो है बेटा याद रखना किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? उस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। रोप जीन कोड्स प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। किसके लिए? रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। आंसर हो जाएगा थर्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। देखें, नॉर्मली ई कोलाई सेल कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। बेटा यही गड़बड़ हो गई। नॉर्मली जो ई कोलाई सेल होती है उनमें इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है, डू नॉट रेजिस्टेंट टू द एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तभी तो इनका उपयोग किया जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा यही है। फिर भी देखते हैं आगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसीजर थ्रू विच DNA इंट्रोड्यूस्ड इन टू द होस्ट बैक्टीरियम। बिल्कुल सही है। प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन ए हेटरोगस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, अभी बताया था। आइसोलेशन ऑफ DNA प्योरीफाइड DNA अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है आगे। ये सारे स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रिमीडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसका यूज करते हैं? सुडोमोनास, और वो भी पूरा नाम क्या है? सुडोमोनास पुटीडा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन बना है, आने का चांस रहता है। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग ए जीन यूज्ड व्हेन रिसर्चर्स नो वेरी लिटिल अबाउट द जीन दे आर ट्राइंग टू फाइंड, दिस प्रोसेस यील्ड्स द कंप्लीट जीन लाइब्रेरी। अगर आपको जीन लाइब्रेरी बनानी है, नंबर ऑफ जीन इंक्रीज करने हैं, तो उसको बोलते हैं अपन, वो प्रोसेस क्या है, वो टेक्निक क्या है, उसको बोलेंगे अपन जीनोमिक जीन लाइब्रेरी। सीधा बोल दो, लाइब्रेरी का अपन क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। ओके, जीनोमिक जीन लाइब्रेरीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाई बेसिलस थुरिन जीएनसिस। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मिडगट किसकी? इंसेक्ट की। पीएच क्या होगी? एल्कलाइन। तो देखो यहां पर सीधा जाओ ना, एल्कलाइन मीडियम बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ द फोरगट, नहीं होगा आपको मिडगट पे जाना होगा। एल्कलाइन मीडियम बाइंड टू द एपिथेलियल सेल ऑफ द मिडगट। आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक दो बचे हैं, इसमें लपेट लेंगे अपन उसके भी क्वेश्चन। DNA फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू द मैट्रिक्स। बिल्कुल सही है, रोंग को सेलेक्ट करना है ना आपको। द कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोजेल। बिल्कुल करेक्ट है। DNA फ्रेगमेंट रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बिल्कुल करेक्ट है। DNA फ्रेगमेंट मूव रैपिडली लार्जर। DNA फ्रेगमेंट मूव रैपिडली, यही इनकरेक्ट हो गया बेटा। जो स्मॉलर होंगे उनकी मूवमेंट क्या होगी? फास्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट कौन सा रोंग है? फोर्थ वाला। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। करेक्ट। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। LC एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यू। बिल्कुल सही है ये। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां क्या कर दिया? ह्यूमन जनरल प्रोजेक्ट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो इनकरेक्ट हो गया फोर्थ वाला। मिनी सैटेलाइट का यूज किया है बेटा, सबने रट रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग द DNA फिंगर प्रिंटिंग एज ए प्रोब। आंसर विल बी फर्स्ट। कॉलम है, मैच करने हैं, डायरेक्ट मैच कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। आपने
एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी में भी ये क्वेश्चन किया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर यूज किसका है, माइक्रोब्स का है, तो ये सारा बायोटेक का ही क्या हो गया, पार्ट हो गया, तो इसको यहां कवर कर ले। सीट्रिक एसिड सीधा मैच करो एस्परजिलस नाइगर से, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, स्टेटिन मोनस्कस परप्यूरियस जो ईस्ट होती है, गोबर गैस किससे ऑब्टेन करते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम से, तो यहां आंसर देख लो सीधा हो जाएगा आपका। सीट्रिक एसिड ए में क्या करोगे बेटा, थर्ड करोगे, इसके अलावा साइक्लोस बी में क्या कर देंगे अपन, फोर कर देंगे, बी बोले तो फोर, और उसके बाद अपन सी में क्या कर देंगे, सी किससे मैच करोगे, सी मैच्ड विद सेकंड, और जो डी है वो मैच हो जाएगा किससे, डी वाला कोबर गैस जो है वो मैच होगी किससे, एक से, तो यहाँ सिंपल यही चला जाएगा बेटा, फर्स्ट ही हो रहा है, थ्री फोर सेकंड एंड फर्स्ट, तो आंसर विल बी फर्स्ट, कर लोगे, मैचिंग वाले बड़े ईजी होते हैं, दो की भी बात पता होती है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाता है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोजेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड, अभी कॉन्सेप्ट आया था बेटा, एग्रोजेल का यूज करते हैं अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्यों करते हैं, इसने पूछा, बिकॉज प्रोवाइड सेविंग इफेक्ट, सही बात है, सेविंग इफेक्ट होगा तभी तो डीएनए उसमें रन करेगा, इट हैज हाई डीएनए बाइंडिंग एफिनिटी, गलत हो गया बेटा, अगर डीएनए एफिनिटी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा हो गई तो उसको रन करने नहीं देगा, वो तो क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, तो ये नहीं हो सकता। हैज लार्जर पोर, गलत हो गया, लार्जर पोर होंगे तो वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ड्यूरिंग एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग, बताओ सीधा सा क्वेश्चन है, प्राइमर कौन सी स्टेप में यूज करते हैं बेटा, एनेलिंग, ओके, अब ये बात कर रहा है कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको एमआरएनए से डीएनए बनाना है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो बनेगा डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एंड दैट रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले कर लोगे, क्या बोल लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, थर्ड आंसर। कंसिडर फॉलोविंग्स आपके सामने है, रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर हिंड थर्ड, रेस्ट्रिक्शन बाम एच वन, रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर पीवी सेकंड, अभी डायग्राम बनाया था, रेजिस्टेंस जीन फॉर द एम्पिसिलिन, ये सारे क्या होते हैं, पीबीआर 322 में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कर लोगे, सारे क्या है, पीबीआर 322 में प्रेजेंट है। बाम एच वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव रिकॉग्निशन साइट इन, बताओ, देखो क्वेश्चन जो है सारे घुमा दिए हैं, अलग अलग जो है वैरायटीज आ रही है ताकि सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाए आपको, बताओ किसमें होता है, अभी बताया था मैंने डायग्राम बना के, बाम एच वन किसमें होगा, टीटीआर जीन में होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, आंसर विल बी सेकंड। स्टेटमेंट है कंसिडर करने हैं, करेक्ट जो है कितने हैं बताने हैं फिर आपको बेटा, देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स इन स्पेसिफिक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग मीडियम प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड कॉलोनी, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, अपन जब बात करते हैं जिसमें सेलेक्टेबल मार्कर लैक जेड जीन काम में लेते हैं, तो बताओ अगर लैक जेड जीन में आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा दिया तो रिकॉम्बिनेंट जो है वो कभी भी क्रोमोजेनिक सबस्टेट को कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो उनमें लैक जेड जीन नॉर्मल होगी, इनएक्टिवेटेड है नहीं, तो क्या करेंगे, ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। TDNA of Agrobacterium tumefaciens have transformed normal plant cell into tumor, बिल्कुल सही है, TDNA क्या करेगा, ट्रांसफर होगा और नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करेगा, जो फास्ट डिवीजन करेगी और क्या करेगी बेटा, कैंसरस हो जाती है, बोले तो ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है, सही स्टेटमेंट है। DNA हाइड्रोफिलिक होता है, सो इट कैन इजीली, ये गड़बड़ होगी बेटा, नॉट इजीली, हाइड्रोफिलिक है तो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, तभी तो होस्ट सेल को क्या किया जाता है, कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, तब जाके डीएनए की एंट्री होती है, तो स्टेटमेंट ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज टेक्स प्लेस इन ए हेटरोलोगस होस्ट, बिल्कुल सही है, कितनी बार आ चुका है, देखो दो तीन बार ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहां पर कितने करेक्ट है स्टेटमेंट, एक दो तीन करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका फोर्थ हो जाएगा, ओके कर लोगे, आंसर विल बी फोर्थ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो सारे एनसीईआरटी के अच्छे स्टेटमेंट उठाए गए हैं। अमोंग मेनी मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, सो कोर टेक्निक मैं क्लियर कर देता हूँ, स्टेराइल एम्बियंस क्यों डेवलप कर रहे हो आप, क्यों बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द बायोटेक्नोलॉजी,
ताकि आपका जो डिजायर्ड होस्ट है वही क्या करे, ग्रो करे, बाकी जो अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं वो वहां पर ग्रो ना करे, ताकि आपका प्रोडक्ट क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि इसका पर्पज क्या है, तो सीधे पर्पज पे जाएंगे अपन। देखो इसका पर्पज बेटा कौन सा होना चाहिए बताओ, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायरेबल माइक्रोब्यूक्रेटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाया गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बाकी इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी पीबीआर 322 से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल दिए अपन ने। क्या बोल रहे हैं, पीबीआर 322 वेक्टर टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बिकम इंसर्टेड इनएक्टिवेटेड। अगर आपने टीटीआर जीन में फॉरेन जीन को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो तुम बताओ बेटा जो आपका आरडीएनए बनेगा वो टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगी वो बैक्टीरियल सेल जिसमें वो आरडीएनए प्रेजेंट होगा, एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करेगी। तो आपको क्या करना है, सीधा छांटना है। विल कल्चर इन बोथ एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन नहीं होगा, कल्चर इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो गई, सेंसिटिव, और एम्पीसिलिन के लिए क्या है, अभी भी रेजिस्टेंट है, तो आंसर विल बी सेकंड। ओके, इन विच कंपनी, सबको याद है बेटा सबसे पहले किसने बनाया था इम्यूलिन, कौन सी कंपनी ने, इली लिली कंपनी, आंसर विल बी फर्स्ट। फ्रेश कल्चर मीडियम एडेड, सबको मालूम है, देखो ये रहा आपका बायोरिएक्टर, फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं, ओल्ड मीडियम ड्रेन आउट करते रहते हैं, क्यों, ताकि अंदर जो है आपका मीडियम कभी कम ना पड़े, हमेशा मीडियम प्रेजेंट रहे, न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज की कभी कमी ना आए, तो जो आपकी होस्ट सेल होंगी ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज दैट इज लॉग फेज, आंसर देखो क्या होगा, रिटेन सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव फेज, आंसर विल बी सेकेंड। A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness. सीधा जाओ ना बेटा, golden rice, vitamin A, answer will be first. Gel electrophoresis की बात कर रहा हूं, मुख्यतः प्रयुक्त किया गया आधात्री पदार्थ एग्रोज है, जो कि एग्रोज बताओ किसे ऑब्टेन करते हैं, अभी बताया था, समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित प्राकृतिक बहुलक होता है, बिल्कुल करेक्ट है, नेचुरल पॉलीमर होता है, आंसर फर्स्ट ही होगा। सेकंड में देखो इसने बोल दिया कृत्रिम नहीं होता, ये क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक, विशेष प्रकार का राइबोजाइम नहीं होता, आंसर सीधा हो गया फर्स्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, दे रखा है प्रिंसिपल की बात कर रखी है। अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। मेंटेन स्टेराइल एम्बियंस, अभी बताया था, करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायोरिएक्टर लार्ज क्वांटिटी, इसके लिए इसका यूज करते हैं, तभी तो केमिकल इंजीनियरिंग काम आएगी, तो सारे क्या है, इसके पर्पज हो गए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको, फोर्थ आंसर हो जाएगा। बाम एच वन एंडोन्यूक्लियस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वही आ गया आपका, मैंने बताया था नोमेनक्लेचर, बाम एच वन, बी फ्रॉम बेसिलस, ए एम फ्रॉम अमाइलो लिक्वी फेसियन, तो आंसर हो जाएगा बेसिलस अमाइलो लिक्वी फेसियन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल देयर प्रोजेनी मे कंटेन, इनकी प्रोजेनी जो है उनमें क्या हो सकता है, अभी बताया था बेटा दोनों में हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों जीन इसमें क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो हो गया ना डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन आर प्रेजेंट, आंसर विल बी फोर्थ। अब कुछ ही एग्जांपल दे रखे बेटा, देखो पूछा क्या है, वेक्टर की फॉर्म में किसको यूज में लेते हैं अपन, बड़ा सिंपल हो गया, ये हो गया, देखो मैं राउंड कर देता हूं, प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की फॉर्म में काम में लेंगे, बैक्टीरियोफेज को भी काम में लेते हैं, इसके अलावा रेट्रोवायरस भी वेक्टर है, इसके अलावा टी आई प्लाज्मिड वेक्टर है, तो किलो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4, आंसर विल बी सेकंड। कौन सा एजीपीएम प्रयुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन वापस दे दिया, मोलिकुलर का क्वेश्चन है आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, क्योंकि अब बायोटेक से कनेक्ट हो गया ना ये बैक एंड, ये आंसर विल बी थर्ड। इको आर फर्स्ट, एनसीईआरटी से एग्जांपल ले लिया, इको आर फर्स्ट जो है किससे ऑब्टेन किया गया बेटा, इस्चेरिसिया कोलाई RY13 स्ट्रेन है, और फर्स्ट क्या है आइसोलेटिंग ऑर्डर, तो सीधा नाम बताओ इस्चेरिसिया कोलाई RY13 थर्ड हो जाएगा। एलिजा किस पे आधारित है, सबको पता है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एलिजा में क्या करते हैं अपन, एंटीजन या फिर
जो एंटीबॉडी है उनको डिटेक्ट करते हैं, उनमें आपस में इंट्रेक्शन करवाते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन पर ये आधारित है। और ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग है जिसमें प्रोटीन प्रोटीन का इंट्रेक्शन करवाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन। चले नेक्स्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखो एक दो क्वेश्चन और बचे थे आपके सेकंड चैप्टर के, उनको भी अपन इंक्लूड कर लिया। लिम्फोसाइट्स आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन बॉडी ऑफ ह्यूमन, अपनी बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्हीं में एडीए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उन्हीं में एडीए जीन क्या होती है, एक्टिवेट होती है। एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, एडीए जो है एंजाइम वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसकी कमी हो गई तो इम्यून सेल फंक्शन नहीं करेंगी। स्किड में कोज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडीए, बिल्कुल सही है, म्यूटेशन होता है, वो भी कौन सा होता है, डिलीशन। ड्यूरिंग जीन थेरेपी फॉर स्किड फंक्शनल एडीए जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट, बिल्कुल करेक्ट बात है। यूजिंग प्लाज्मिड इनकरेक्ट हो गया बेटा, किसका यूज करते हैं, रेट्रोवायरस का, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, जो क्या है, इनकरेक्ट है। वी हैव बैक्टीरियम दैट कंटेन नेटिव प्लाज्मिड, आइसोलेट द टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ दिस बैक्टीरिया, ये कह रहा है कि आपके पास बैक्टीरिया है बेटा, ये लो, इसके पास मेन जीनोम तो होगा होगा, इसके पास इसका प्लाज्मिड भी है, नेटिव प्लाज्मिड जो प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, बैक्टीरिया एंड सेपरेट बाय टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टोटल डीएनए को क्या करना है, तुम्हें सेपरेट करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे तो कितने बैंड विजिबल होंगे, दो होंगे बेटा, एक तो जीनोम का हो गया, लार्ज हो गया ये प्लाज्मिड का जो साइज है वो स्मॉल होता है, तो दो बैंड विजिबल हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, टू बैंड्स, आंसर विल बी सेकंड। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। एक्स इज अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉमर्शियल यूज ऑफ दिस इन्वेंशन, तो गवर्नमेंट राइट देती है, इसको बोलते हैं पेटेंट। क्या है एक्स, पेटेंट। अगर ये एक्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए काम में ले अपन, बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए, तो उसको बोल देते हैं फिर बायो पेटेंट, वो तो हो गया पेटेंट। और अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं तो उसके लिए अपन बोल देते हैं इसको बायो पेटेंट। तो देखो एक्स वाई कौन है यहां पर, पेटेंट एंड बायो पेटेंट। क्राई फर्स्ट एबी जीन कंट्रोल द, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इनसे क्वेश्चन अक्सर आने के चांस रहते हैं, इसलिए देख लो इनको, किसी को भी एग्जाम्पल को छोड़ा नहीं है। आपका टारगेट क्या है, पेपर को कवर करना, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को भी कवर करना, ताकि नीट में कोई किसी से बाहर ना जाए। तो फर्स्ट एसी और फर्स्ट एबी है, तो बताओ फर्स्ट एसी, रट के रखो इनको बेटा अच्छे से, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट एसी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, और जो फर्स्ट एबी होती है वो कंट्रोल किसको करती है, बताओ कितनी बार आ चुका है, कॉर्न बोरर। तो देखो यहां पर बॉल वर्म एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली, आंसर हो जाएगा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये बैक्टीरियल सेल है बेटा, इसमें इसका जीनोम है, बाहर डीएनए पड़ा है, उसको इंटर करवाना है, तो बाहर सेल बोले तो आपको इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देते हैं बेटा, कैल्शियम यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डाइवेलेंट कैटाइन, ताकि वो सेल वॉल को क्रॉस करवा दे। इंपॉर्टेंट है ये, कैल्शियम क्या करेगा, इस डीएनए को सेल वॉल को क्रॉस करवा देगा। ओके, फिर इसको देंगे हीट सोक 42 डिग्री सेल्सियस, इसका कोई रोल नहीं है, मोनोवेलेंट कैटाइन का रोल नहीं है, तो यहां पर फर्स्ट भी है थर्ड भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके, तो ये हो गया आपके बेटा 100 क्वेश्चंस, बिल्कुल स्कोरिंग है बायोटेक, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा है काफी क्वेश्चंस आए हैं, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे काफी है, लेकिन सारे स्कोरिंग है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, इसलिए इसको छोड़ मत देना बेटा, अच्छा आपको स्कोर दिलाएगा ये। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दी गई अभिक्रिया में आपको वाई को आइडेंटिफाई करना है, यहां पे दिया हुआ है वाई, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको दे रखा है एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन, ये आपके पास है एनिलीन की रिएक्शन, NaNO2 और HCl के साथ करने पर, मतलब डाई एजोटाइजेशन अगर हम इसका करते हैं, ये हमने किया इसका डाई एजोटाइजेशन करने पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, N2+Cl- यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो अपने पास प्रोडक्ट एज ए यहां पर X आया है, इसकी रिएक्शन हम अगर किसके साथ करें, Cu2Cl2HCl के साथ, Cu2Cl2 और HCl के साथ,
तो सेंड मेयर रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एन टू सी एल हट जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, क्लोरो बेंजीन बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड का मतलब CH3Br दे रखा है, इज हीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर। रिएक्शन किसके साथ करनी है अपने को, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहां पर अपने को इसके CH3Br के दो मोल लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा Br और CH3। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पे आ गया ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा, यहां से NaBr निकल जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3, मतलब C2H6 बन गया, मतलब क्या बन गया आपके पास आंसर, C2H6। सो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है X प्लस KCN Y के साथ Y बना रहा है यहां पे, और रिएक्शन हुई वापस किसके साथ, H2 हाइड्रोजन और निकल के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखिए यहां पर बन रहा है CH3CH2NH2, H2 और निकल के साथ रिएक्शन है, मतलब यहां जब रिएक्शन में Y बनेगा तो क्या हो सकता है, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपने पास क्या बनेगा, देखो ये आ गया H2 और निकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 और ये बन गया NH2 मेंडियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अपने पास आ गया क्या, Y, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, X पूछा है। तो यहां पर CH3Cl की रिएक्शन, अगर क्योंकि यहां पर कार्बन कितना, एक कार्बन है और उसके अलावा CN है, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कर दें, KCN के साथ करते हैं, तो यहां से क्या निकल जाता है, KCl निकल जाता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या आ जाएगा आपके पास, CH3CN आ जाएगा, है ना। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये X आ गया, X की जगह क्या हुआ, CH3Cl प्लस ये आ गया आपके पास KCN, क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, और रिएक्शन से 2H2 निकल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, यानी कि 1 डिग्री है, मीन यहां पर ये बन जाएगा। तो आपके पास ये हो गया Y और ये हो गया आपके पास X, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है C6H5ONa, क्या दे रखा है, C6H5ONa सोडियम फिनोक्साइड, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, C2H5Cl के साथ रिएक्शन करवानी है, तो यहां पे हमने लिख दिया C2H5 और Cl, प्रोडक्ट आपको सीधा दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा, C6H5OC2H5, है ना, Na गया, Cl गया, सीधा क्या बन गया, ईथर, कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, ये हो गया आपके पास क्या, सोडियम फिनोक्साइड, रिएक्शन किसके साथ, CH3CH2Cl के साथ या C2H5Cl, एक ही बात है, क्या बन जाएगा, OC2H5, यहां पर आ गया क्या, बेंजीन। बात समझ में आई, मतलब इथाइल फिनाइल ईथर बन गया, क्या बन गया, इथाइल फिनाइल ईथर, बात समझ में आ गई। इसी तरह इथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन है जो किस पे डिपेंड करेगी, एल्कोक्साइड जो इसमें यूज किया गया है या जो फिनोक्साइड इसके अंदर यूज किया गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, C6H5OC2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, सीधा क्वेश्चन है,
फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मतलब RMGX फ्रॉम हेलो एल्केन, अगर हमें हेलो एल्केन से ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें Mg यूज करना पड़ेगा, मैग्नीशियम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, RMGX बन जाएगा। तो अपना सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। आपको पूछा है SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। ठीक है ना, अब उसमें होता क्या है, ये आपने लिया RCL और यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, ये आ गई आपके पास फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, R प्लस, और यहां पर आ गया Cl माइनस। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, RDS स्टेप है, और RDS स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है यहां से निकलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो ये है आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन, और स्टेबल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, RNU बन जाता है। बात समझ में आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो रेट है वो रेट इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, किसके प्रोपोर्शनल हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब हमें देखना क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है PHCH2Cl, मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये आ गया आपके पास रिंग, यहां पर जुड़ा हुआ है CH2 और यहां पर है Cl। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl जैसे ही यहां से निकलेगा, ये आ गया आपके पास CH2 के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, मतलब रेजोनेंस में भाग लेता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, स्टेबल है, नो डाउट स्टेबल है। सेकंड की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये हो गया आपके पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लोरीन निकलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, एरोमेटिक है, यहां पर क्या आ गई इसकी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये आ गई आपके बी ऑप्शन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अपना आंसर यहां से फर्स्ट नंबर पे तो कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दे रखा है, यहां से क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, और यहां से क्लोरीन निकलेगा, इसका मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्लस चार्ज यहां पे आ गया, इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये आ गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में जैसे ही यहां से Cl निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या बना है, 1 डिग्री बना है। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 इधर चला जाएगा और पॉजिटिव कहां जाएगा, कार्बन पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गया कार्बन, यहां पे है पॉजिटिव, ये हो गया CH3, ठीक है, ये आ गया आपके पास CH और ये आ गया CH3, ऑलराइट, CH2 और CH3 हो गया, इसका मतलब अब 3 डिग्री यहां पर बन गया है। तो इसमें अपने को देखना क्या है, सबसे पहले तो देखो फर्स्ट हमने किया जो बी, यानी यहां पर एरोमेटिक होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाया गया है, इसका मतलब बी के बाद में कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। उसके बाद में सी और डी में अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां पर जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रीअरेंज होने के बाद में बन रहा है,
बन तो रहा है, लेकिन रीअरेंजमेंट होने के बाद में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन पहले क्या था 1 डिग्री था, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सी ऑप्शन को देंगे। तो उसके बाद में आ जाएगा सी और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा डी। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, बी ए सी डी, क्या हो गया बी ए सी डी, ये रहा, यानी कि फोर्थ आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रियोन। फ्रियोन का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर क्लोरीन हो, जिसके अंदर फ्लोरीन हो और जिसके अंदर कार्बन हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है क्लोरीन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है और कार्बन दे रखा है, जबकि ये तो क्लोरोफॉर्म है, ये तो नहीं होगा। यहां पर आपको क्लोरीन नहीं दिया हुआ, ये नहीं होगा, और यहां पर आपको क्लोरीन नहीं दिया हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब आपका सही आंसर क्या चला जाएगा, CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका रेफ्रिजरेंट में या प्रशीतक के रूप में इसको काम में हम लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सा है जो इंसेक्टिसाइड के रूप में हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपको डीडीटी, सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है डीडीटी, और डीडीटी के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं, पेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया इंसेक्टिसाइड, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, पेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, क्लोरीटोन की, किसकी बात करें, क्लोरीटोन की, क्लोरीटोन, तो क्लोरीटोन का मतलब क्या है, नर्वस सिडेटिव, नर्वस सिडेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 सब जानते हैं, क्लोरोफॉर्म यानी अनकॉन्सियसनेस, निश्चेतक का ये काम करता है, अनकॉन्सियसनेस यानी निश्चेतक के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा क्या है, कीटनाशक के रूप में किसको काम में लिया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में कौन हो जाएगा बेटा, डीडीटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपको द अबोव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेफर्स टू। किसका फॉर्मूला आपको यहां पर दे रखा है, तो इसके बारे में सब जानते हैं, क्या है कि अगर क्लोरल की रिएक्शन हो जाती है, देखो क्लोरल क्या होता है, ये आ गया आपके पास Cl, Cl और Cl, और Cl के साथ हमें क्या जोड़ना है, CHO जोड़ना है, तो ये डबल बॉन्ड और ये HO। क्लोरल की रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन के साथ हम करते हैं, क्लोरोबेंजीन का मतलब ये आ गया आपके पास क्लोरोबेंजीन, ये आ गया आपके पास दूसरा मोल क्लोरोबेंजीन का, और यहां लगा दीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगाने का मतलब क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो हाँ, आप इसे क्या बना सकते हो, आप इसे बना सकते हो Cl3C, ये आ गया आपके पास CH और क्या है ये DDT, क्या बन गया बेटा DDT। तो क्लोरल किसकी रिएक्शन से बनता है, क्लोरल की और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम करते हैं तो क्या बनता है DDT। तो ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, DDT का फॉर्मूला दिया हुआ है। DNA RNA तो हो ही नहीं सकता, और BHC का मतलब क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो वो भी नहीं हो सकता। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा, नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। When alkyl magnesium halide, alkyl magnesium halide का मतलब क्या हो गया, RMgX reacts with RNH2, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन के साथ अगर ये रिएक्शन करता है, कौन, RMgX रिएक्शन करेगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है, क्या बनेगा बेटा, एल्केन बनेगा, RH बन जाएगा आपके पास। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर एसीटोन के साथ करवाई जाए, तो क्लोरोफॉर्म का मतलब HCCl3, किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एसीटोन के साथ, तो ये हो जाएगा
CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, मतलब ये हो गया आपके पास CCl3 माइनस आ गया, ये आ गया H+, मतलब ये जाएगा इधर और ये चला जाएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो गया CH3, ये आ गया C, ये आ गया CH3, ये आ गया बेटा CCl3 और यहां पर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, ठीक है ना। किसका काम करेगा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अभिक्रिया पर देता है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्लोरीटोन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आ गया आपके पास क्या क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बन जाएगा यहां पे, और क्लोरीटोन का मतलब ट्राइक्लोरो, तीन तो इसमें क्या है क्लोरीन है, टू मिथाइल, टू नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल जुड़ा हुआ है, और तीन कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, नंबर टू पे क्या जुड़ा हुआ है OH, तो ओल, तो ट्राइक्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल। यूज अगर बात करें कि क्लोरोटोन क्या काम में लिया जाता है, तो सिडेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, हिप्नोटिक भी होता है, या वीक एनेस्थेटिक के रूप में भी क्लोरोटोन को हम काम में ले सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा क्लोरीटोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जिंक डस्ट के साथ आपको रिएक्शन दे रखी है, तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन दे रखी है मतलब ZnBr2 निकल जाएगा, क्या निकलेगा ZnBr2, ये निकल गया, ये निकल गया, मतलब यहां पर क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड लग जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहां पर डबल बॉन्ड दे रखा है मतलब ये नहीं बनेगा, आपको यहां डबल बॉन्ड दे रखा है मतलब ये भी नहीं बनेगा, आपको दो डबल बॉन्ड दे रखे हैं मतलब ये भी नहीं बनेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो यहां पे अगर कई बार प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल दे सकता है, एल्कोहल की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है, कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि बोथ विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल फ्रॉम सेम एल्किन, तो उस केस में भी हमें क्या करना होता है ट्रू स्टेटमेंट देना होता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है आइडेंटिफाई ई इन द फॉलोइंग, ई कहां दिया हुआ है ये रहा, ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन है ब्रोमीन की HMU की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन की HMU की प्रेजेंस में रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ सीधा आपको क्या जोड़ना है किसी भी कार्बन पे ब्रोमीन लगा देना है, ये आपने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद में है एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होने का मतलब क्या होगा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया Br हट जाएगा और H हट जाएगा मतलब डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद में क्या दे रखा है ये A आ गया आपके पास, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करी तो आपने यहां पर क्या बना दिया D, ये आ गया आपके पास D प्रोडक्ट और ये आ गया आपके पास A प्रोडक्ट। उसके बाद में है N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, अगर NBS के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, NBS के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है NBS के साथ रिएक्शन करने पर एलाइलिक पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा Br जुड़ जाएगा, तो एलाइलिक पोजीशन इसकी कौन कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है, इन दोनों पोजीशन पे जुड़ सकता है, तो ऑप्शन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ये Br, तो Br तो अपना कौन सा प्रोडक्ट था A था, इसलिए A यहाँ पे ये नहीं हो सकता, दूसरा ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है यानी डबल बॉन्ड वाला कौन सा है D प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे NBS की एलाइलिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो एलाइलिक पोजीशन बेटा कौन सी हो जाएगी, ये आ गया Br, तो ये जो आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा इसका आंसर और प्रोडक्ट E। अब अपने को इसके अंदर आगे यहाँ पर चलना ही नहीं था, ये सिर्फ क्या दिया होता एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो यहाँ पे इसको अपने को चेक ही नहीं करना था, सीधा कहाँ पे आना था आपको, सीधा आपको इस तरह से ई के ऊपर आना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन में क्या दे रखा है एल्कोहलिक KOH दे रखा है, और एल्कोहलिक KOH होने का मतलब क्या होगा, यहां से Br निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इस Br को निकाल दो और इस हाइड्रोजन को निकाल दो, ये आपके पास अल्फा कार्बन हो गया, ये आपके पास बीटा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया और बीटा कार्बन हो गया। अगर आप बात करो कि इस बीटा कार्बन की यहां से भी क्या हो सकता है हाइड्रोजन निकल सकता है, तो अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगाता हूं, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बनाता हूं तो क्या होगा आपके पास जो प्रोडक्ट जाएगा वो कौन सा जाएगा थर्ड जाएगा, लेकिन सेजेफ के अकॉर्डिंग मोर एल्काइलेटेड
होना जरूरी है। और मोर एल्काइलेटेड अपने पास कौन सा है, अगर मैं इस ब्रोमीन के हाइड्रोजन को यहां से निकालता हूं और यहां से बीआर को निकालता हूं, तो उस केस में अपने पास आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, जो कि क्या होगा, सेजेफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, सेजेफ के अकॉर्डिंग इसको रिएक्शन को करना था। एल्कोहलिक KOH दिया जाता है तो HBr निकल जाएगा, डबल बॉन्ड लगेगा, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, अगर आपके पास मोर एल्काइलेटेड एल्किन है तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। तो अपना जो सही आंसर इस क्वेश्चन के अंदर चला जाएगा वो कौन सा जाएगा, नंबर वन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से क्या बनेगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, अगर हम इसकी वुड्स रिएक्शन करते हैं तो वुड्स रिएक्शन से क्या बन सकता है, वुड्स रिएक्शन से देखो यहां पे दो कार्बन है तो चार कार्बन बन सकते हैं, मतलब CH3CH2CH2CH3 बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम क्या करें, इससे कम कार्बन का एल्केन भी हम बना सकते हैं, एल्कीन भी बनाया जा सकता है, तो यानी दो कार्बन दिए हुए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी आ सकता है, आपके पास प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी आ सकता है, है ना। तो यहां पर और इससे कम कार्बन का मतलब प्रोपेन भी यहां पर बन सकता है, CH3CH2 और ये आ गया CH3, तो ये चार प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं, बात समझ में आई। लेकिन मिथेन नहीं बनाया जा सकता, मिथेन यहां पर We cannot prepare methane. ठीक है, और small amount of lower alkene also formed, alkene also formed. तो यहां पर जो option दिए हैं उसमें क्या दे रखा है, ethane, ethene और butane. Ethane का मतलब ये बन गया आपके पास ethane, ये बन गया आपके पास ethene, और ये बन गया आपके पास ब्यूटेन, तो तीनों बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें सिर्फ एथीन और ब्यूटेन की, तो एथीन और ब्यूटेन के अलावा आपके पास क्या बन सकता है, दो प्रोडक्ट और भी तो है, इसमें दिया हुआ केवल, मतलब ये तो नहीं होगा, केवल ब्यूटेन, तो केवल ब्यूटेन अकेला नहीं बन सकता क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ लोअर एल्केन ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर केवल एथेन की बात करें तो यह भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन के अंदर केवल एथेन नहीं आ सकता, तो आपके पास सही आंसर इसमें कौन सा चला जाएगा, एथेन, एथीन और ब्यूटेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहां पर आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 16 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव इन एन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपके पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, 1 डिग्री, सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ, 3 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हो ये कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां हम लगाते हैं Cl, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हैं तो बैक साइड से क्या हो जाता है, अटैक होता है, तो यहां से Cl निकल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में क्या हो जाता है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम चलते हैं, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, 1 डिग्री, उसके बाद में आएगा 2 डिग्री, उसके बाद में आएगा 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो क्या है, प्राइमरी है, और लीस्ट रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टर्शरी, या जिसको हम बोल सकते हैं तृतीयक, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पूछा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, द पोजिशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड CH3, देखो बच्चों ये है CH3, यहां दे रखा है CH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में दिया हुआ है कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या है, Br, और Br के बाद में यहां पे कितने CH3 लगा रखे हैं, यहां पे 2 CH3 लगा रखे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि यौगिक को वर्ग में वर्गीकृत किया गया है,
यानी कैन बी क्लासिफाइड एज, क्या ये पोजीशन अलाइल हो सकती है, क्या ये पोजीशन अलाइल हो सकती है। तो अलाइल का मतलब क्या होता है कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और उसके बाद वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहां पर होना चाहिए। मतलब यहां पर अलाइलिक पोजीशन बन रही है क्या, देखिए ये br जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन पे विच इज नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी ये वाला कार्बन कौन सा हो गया आपके पास sp2 कार्बन हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन अलाइल हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अराइल की, तो अराइल का मतलब एरिल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो, यानी रिंग के साथ अगर जुड़ा हो क्या हो जाएगा, बीआर अगर इस तरह से जुड़ता है तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिल। और विनाइल, विनाइल का मतलब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या जुड़ जाए, हैलोजन जुड़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। और प्राइमरी का मतलब तो 1 डिग्री, जबकि यहां पर ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो फोर्थ नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अलाइल। अलाइल का मतलब इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन इट इज नोन एज अलाइलिक पोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। फर्स्ट दे रखा है आपको एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल ग्रुप में कहीं भी आपके पास हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो नॉर्मल क्या हो, बोल सकते हैं इसको एल्किल हैलाइड हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है अलाइल हैलाइड, अलाइल का मतलब हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, और उससे आगे वाला कौन सा होना चाहिए, sp2, यानी कि पोजीशन कौन सी हो गई, अलाइल पोजीशन। मतलब ये भी क्या है, सही है। थर्ड आपको दे रखा है एराइल हैलाइड, यानी रिंग से अगर जुड़ा हुआ है क्या, एक्स जुड़ा हुआ है या हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर विनाइल हैलाइड की हम बात करें, तो विनाइल हैलाइड का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और X, यानी अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। और जबकि यहां पर जो कंडीशन दे रखी है उसके अंदर क्या हो जाएगा, XRI यहां पर जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे विच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के, बेंजीन रिंग के आगे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं एक्स जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उससे आगे वाला कार्बन क्या है, बेंजीन रिंग है। और अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक, कौन सी कंडीशन बोलेंगे, उसे हम बेंजाइलिक कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर जो है क्या दिख रहा है आपको, गलत दिख रहा है। तो आपको गलत को पहचानना था, असत्य को पहचानना था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली, SN1 रिएक्शन सबसे जल्दी किसके अंदर होगी, और SN1 का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनता है जो कि क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहां पर SN1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब यहां पे आपको ये सारी चीजें सेम दे रखी हैं, CH3 होल थ्राइस दे रखा है, सभी के अंदर है। आपको आइडेंटिफाई किसके द्वारा करना है, हैलोजन्स के द्वारा करना है। आपको आइडेंटिफाई किसके द्वारा करना है, हैलोजन्स के द्वारा। तो हैलोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और उसके बाद में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। तो हम ये कह सकते हैं आयोडीन गिव फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोडीन गिव SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली, SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली सबसे जल्दी दे देगा, और सबसे जल्दी दे देगा। तो दूसरा हम कारण क्या कह सकते हैं, इसकी साइज, साइज भी क्या है, इसकी लार्ज साइज है, और लार्ज साइज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इजीली टर्मिनेट हो जाएगा। ये कार्बन है, इससे अगर आपके पास आयोडीन जुड़ा हुआ है तो इसकी साइज भी क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इजीली टर्मिनेटेड,
क्या हो जाएगा बच्चों, इजीली टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी आपके पास, फोर्थ ऑप्शन के अंदर सबसे जल्दी यहां पर SN1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। What happen when N-butyl chloride का मतलब normal आपके पास चार कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल क्लोराइड विद एल्कोहोलिक KOH। अगर हम रिएक्शन करें इसकी किसके साथ, एल्कोहोलिक KOH के साथ, तो एल्कोहोलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर CH2Cl है, मतलब क्या निकल जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो यानी यहां पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ गया, CH3CH2CH CH2। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूट वन इन इज फॉर्म्ड, ब्यूट टू इन इज फॉर्म, चार कार्बन दे रखा है, एक नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ब्यूट वन इन इज फॉर्म्ड, यानी ये वाला जो आंसर है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड का मतलब अगर किसी कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन पे सेम हेलोजन अगर जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेम डाइहेलाइड, क्या बोलेंगे उसे हम, जेम डाइहेलाइड। और अगर आपके पास किसी कार्बन पे एक्स जुड़ा हुआ है और उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी अगर वही हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विसिनल डाइहेलाइड, क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, और तीसरी कंडीशन इसमें क्या हो जाती है कि अगर आपके पास टर्मिनल कोई भी कार्बन है और उस पर सेम हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो हमें यहां पर जो पूछा है वो क्या पूछा है, जेम डाई हैलाइड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, डाई क्लोरोमिथेन, यानी डाई क्लोरोमिथेन का मतलब दो क्लोरीन है और बच गया कौन, CH2, यानी एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन जुड़े होने का मतलब किस में कंसिडर किया जाएगा बच्चों, इसको जेमिनल में कंसिडर किया जाएगा। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें 1,2-dichloroethane, तो ये दो कार्बन इथेन हो गया, वन पोजिशन पे क्लोरीन है, सेकेंड पोजिशन पे क्या है, क्लोरीन, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विसिनल का एग्जाम्पल हो गया, यानी ये हमने गलत करना है, जेम डाइहेलाइड, तो जेम डाइहेलाइड तो ये हो गया आपका विसिनल डाइहेलाइड। अगर हम बात करें 1,3-dichloropropane की, अगर हम बात किसकी करें, 1,3-dichloropropane, ये हो गया प्रोपेन आपके पास, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, थर्ड नंबर पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, तो कौन सी टाइप हो गई, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टर्मिनल कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड बन जाएगा। और अलाइल कंडीशन आपको बताई हुई है, अलाइल कंडीशन का मतलब क्या होगा, जिस कार्बन पे एक्स जुड़ा हुआ है वो sp3 होगा और उससे आगे वाला कार्बन डबल बॉन्डेड, यानी कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। तो यहां पर जो सही आंसर जाएगा, जेम डाइहेलाइड का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डाइक्लोरोमिथेन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2I और एल्कोहलिक KOH, यानी सबसे पहले एलिमिनेशन करना है और एलिमिनेशन करेंगे तो आपके पास X क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा और इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करने पर क्या हो जाएगा, टेस्ट भी है ये, यानी CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे Br लग जाएगा और यहां पर Br लग जाएगा, यानी ये लग गया Br, तो ये क्या हो गया आपके पास, विसिनल डाइहेलाइड बन गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ए तो आपके पास आ गया, ये
प्रोपीन, प्रोपीन कौन सा है, ये देखो एक्स में प्रोपीन दे रखा है, एक्स के अंदर यहां पे अल्कोहल दे रखा है, ये नहीं हो सकता, यहां पर भी प्रोपीन दे रखा है, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर क्या है, एक्स बन गया, वाई बी आर टू सी सी एल फोर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, विसिनल डाइहेलाइड बनता है, तो यहां पर देखो विसिनल बना रखा है, बी आर बी आर दोनों जोड़ रखे हैं, जबकि इसके अंदर अगर हम वाई देखें तो सिर्फ एक ही पोजिशन पे क्या जोड़ रखा है, बी आर, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, और सही आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या दे रखा है, देखो अरेंज द कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एस एन टू डिस्प्लेसमेंट। एस एन टू का मतलब क्या होगा, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये एस एन टू की रिएक्टिविटी का है अपने पास ऑर्डर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब आपके पास 4 कार्बन है और फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब कितने डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, ये आ गया 1 2 3, 1 नंबर पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, 2 नंबर पोजिशन पे 2 जगह क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन, यानी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी एक ही नंबर पे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या दे रखा है, सॉरी 2 2 डाई मिथाइल दे रखा है, तो 2 जगह आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो हो गया, 2 2 डाई मिथाइल हो गया, यानी आपके पास ये वाला कार्बन भी क्या है, 1 डिग्री, इसका मतलब यहां पर आ गया 1 डिग्री, ठीक है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और यहां पर लगा दिया ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो और यहां पर आ गया क्या, कार्बन, तो बताओ कौन सा है, 1 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाला क्या दे रखा है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन, ये आ गया आपके पास ब्रोमीन, 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, और ये आ गया आपके पास मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन हो गया, यानी ये भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री। तो चारों के चारों यहां पर क्या है, 1 डिग्री है। तो SN2 के अंदर, SN2 की अगर हम बात करें तो स्टेरिक फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है रिएक्टिविटी को, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अपने को क्या देखनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस देखो इस ऑप्शन के अंदर है, यहां पर कोई बल्कि ग्रुप और साइड में नहीं जुड़ा हुआ है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसका मतलब सबसे पहले तो अपने आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला, सबसे पहले तो कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर 1 2 और 3, 3 नंबर पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अपने को देखनी है, मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस किस में होगी, अगर इन दोनों की तुलना करें तो इसके अंदर लेस हो जाएगी, मतलब फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसके बाद में, अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चौथा, तो ये आ गया आपके पास फोर्थ, सबसे पहले आया फर्स्ट, उसके बाद में कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया। उसके बाद में अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर देखो 2 जगह कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पे देखो 1 ही जगह कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्रायोरिटी हम किसको देंगे, थर्ड को, तो ये हो जाएगा आपके पास थर्ड, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो आपका सही ऑप्शन जो यहां पर जाएगा वो कौन सा जाएगा बच्चों, 1 4 3 2 1 4 3 2 अपने दिया हुआ है आंसर नंबर, 1 4 3 2 आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके पास चारों 1 डिग्री हैं तो उस केस में स्टेरिक फैक्टर जो है रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड जो होगा वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया हुआ है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वुड बी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का आपको देखना है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्यों,
क्योंकि साइज आयोडीन की क्या है, सबसे ज्यादा है, और आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है. सो इट इज लेस सॉल्वेटेड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. इसलिए अपना आंसर सबसे ज्यादा हम किसको प्रायोरिटी देंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, आई को, उसके बाद में बी आर को, इसके बाद में सी एल को. यहाँ पे फ्लोरिन की हम बात नहीं करेंगे, तो क्योंकि तीन ही ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा आयोडीन, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड. क्यों, रीजन क्या दिया, ड्यू टू ग्रेटर साइज और आयोडाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लो, दैट्स वाई करेक्ट ऑर्डर इज नंबर वन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, एल्किन दे रखी है, एचबीआर दे रखा है, ठीक है ना. और मतलब कौन सा रूल लगा सकते हैं, मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हैं, और मार्कोनिकोव रूल अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल यानी ये है प्लस आपके पास, बीआर है आपके पास माइनस, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. मतलब बॉन्ड कौन सा टूटेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3CH, ये आ गया CH3, ये आ गया CH, और यहां पर आ जाएगा CH3. मतलब यहां पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है आपके पास 2 डिग्री, तो रीअरेंजमेंट यहां पर दिखाएगा, और रीअरेंजमेंट अगर होगा इसका तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3CCH3, ये आ गया आपके पास क्या, CH2, और यहां पर आ गया CH3, पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, 3 डिग्री, ये बन गया आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया इसके इसके अंदर. अब इसकी रिएक्शन अगर हम Br- के साथ रिएक्शन कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ये आ गया ब्रोमीन, ये आ गया CH3, ये आ गया CH2, और ये आ गया CH3. तो ये आंसर यहां पे आपका चला जाएगा, कौन सा दे रखा है, फर्स्ट वन, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, मेटाजाइलिन रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. कौन से प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, आपको यहां पर दे रखा है मेटाजाइलिन. मेटाजाइलिन का मतलब क्या है, 2 CH3, ये है आपके पास क्या, CH3, और यहां पर है आपके पास क्या, CH3. मेटाजाइलिन अगर Br2 और FeBr3 के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, Br2 और FeBr3 के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. उस कंडीशन में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप दे रखा है, तो मिथाइल ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो अगर हम इस CH3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर हम इसके CH3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो ऑर्थो पोजीशन ये वाली हो सकती है, ये वाली, और यहां पर अगर पैरा पोजीशन देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना. तो प्रोडक्ट जो बनेगा इन तीनों पोजीशन पे इसके अकॉर्डिंग आएगा. और अगर हम इस CH3 की बात करें तो ये वाली ऑर्थो हो जाएगी, ये वाली ऑर्थो हो जाएगी, और ये वाली पैरा पोजीशन हो जाएगी. तो अपना प्रोडक्ट देखो फर्स्ट केस के अंदर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि CH2 पे Br लगा रखा है. सेकंड वाले केस में आपको ब्रोमीन तो यहां पर लगा रखा है, ये तो सही है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना रखा, पैरा प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनाया हुआ, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है. अगर हम इस केस की बात करें थर्ड केस के अंदर, तो अगर हम इस CH3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ऑर्थो पोजीशन आ गई, ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, ऑर्थो. और अगर इस CH3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये पोजीशन कौन सी होगी, पैरा पोजीशन होगी. दूसरा प्रोडक्ट आपको दे रखा है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये ऑर्थो, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो गई, पैरा. यानी कि यहां पर अपनी पॉसिबिलिटी बन रही है. और यहां पर अगर लास्ट प्रोडक्ट की बात करें तो CH3CH3 ऑर्थो ये वाला तो हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको क्या दे दिया, मेटा पोजीशन पे दे दिया, तो मेटा पोजीशन पे तो होने का सवाल ही नहीं उठता. तो यानी कि फोर्थ नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड के अंदर क्या है, आपको Br यहां लगाया हुआ है, जो कि यहां नहीं लगेगा. और फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको प्रोडक्ट तो दोनों दे रखे हैं, यहां पर ऑर्थो है इसके रिस्पेक्ट में, और यहां पर ऑर्थो पोजिशन CH3 की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये ऑर्थो हो गया, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो गया, पैरा हो गया, ठीक है ना. दोनों के रिस्पेक्ट में अपने को यहां पर देखना है, और दोनों के रिस्पेक्ट में अपना सही आंसर कौन सा जा रहा है, देखो CH3 आया, CH3 का ऑर्थो पोजीशन बनता है, इस CH3 के लिए ये क्या हो गई, पैरा पोजीशन हो गई. अगर इस केस को देखें तो इस CH3 के लिए ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन,
और इस CH3 के लिए कौन सी पोजिशन है? पैरा पोजिशन। तो अपना सबसे सही आंसर यहां पर कौन सा चला जाएगा? नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है SOCl2 के साथ रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन है, A क्या हो जाएगा? CH2Cl हो जाएगा, ये बन गया आपके पास A। रिएक्शन अगर आप करते हो किसके साथ? KCN के साथ, तो क्या हो जाएगा? Cl की जगह कौन जुड़ जाएगा? CH2, और यहां पर आ गया CN, आगे दे रखा आपको H+, ये आपके पास बन गया क्या? B। रिएक्शन किसके साथ? H+ और H2O के साथ रिएक्शन अगर दे रखी है, तो पहले एमाइड बनता है, उसके बाद में क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। तो यहां पर आपके पास जो आंसर जाएगा वो कौन सा होगा? ये आ गया CH2 और ये आ गया COOS, तो ये हो गया C। पूछा क्या है? C पूछा है, तो क्या हो जाएगा C बताइए। देखें C के अंदर आपको दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? ये तो हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ रखा है? PH मतलब फेनिल, तो 2-फेनिल एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? दो कार्बन है ना, तो एथेन और ओइक एसिड लगाइए, तो क्या हो जाएगा? 2-फेनिल एथेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। सीधा क्वेश्चन है C2H5OH, ये लो C2H5OH, रिएक्शन किसके साथ? P+I2 के साथ। रिएक्शन किसके साथ? P+I2 के साथ, मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा यहां पे? C2H5I आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया A। रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ, रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एल्किन बन जाएगा, तो ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, दो कार्बन का एल्किन, मतलब आपके पास क्या आ गया? B आ गया। उसके बाद में दे रखा है Br2CCl4, तो Br2CCl4 की रिएक्शन जब हम करते हैं तो क्या बनता है? विसिनल डाइहैलाइड, तो ये आ गया CH2Br, और यहां भी क्या आ जाएगा? CH2 और Br आ जाएगा, मतलब क्या बन गया? C बन गया। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है? एल्कोहोलिक KOH, यहां पर आपको दे रखा है एल्कोहोलिक KOH, एल्कोहोलिक KOH होने का मतलब आपको यहां पर डायरेक्ट लास्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? एल्कोहलिक KOH अगर हम बनाते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पर बन जाएगा एल्काइन, ये आपके पास आ गया D। ठीक है, अब दे रखा है NaNH2 और लिक्विड NaNH3, यहां पर है आपके पास क्या? NaNH2 और लिक्विड NH3, अमोनिया के साथ यहां पर यहां क्या हो जाएगी? रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हटेगा, तो आपके पास क्या आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये आ गया Na+, क्या आ गया? Na+। उसके बाद में क्या होगा? दोबारा आपके पास क्या करना है? आगे CH3 आई एक्सेस में दे रखा है, तो और पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है? इस रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? इस रिएक्शन से हम बना सकते हैं एक हाइड्रोजन, अगर यहां से भी निकल जाए तो यहां पर आपके पास आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये है आपके पास Na+, है ना, और ये हाइड्रोजन यहां से जैसे ही हटेगा तो यहां पर भी क्या जाएगा? Na+, मतलब क्या हो गया? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं Na+C ट्रिपल बॉन्ड C और ये आ गया Na+, इस पर क्या चार्ज? माइनस, और इस पर क्या चार्ज? माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? CH3I एक्सेस में दे रखा है, CH3I किस में दे रखा है? एक्सेस में दे रखा है, और एक्सेस में देने का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? माइनस, माइनस अटैक कहां करेगा? कार्बन पे, और आयोडीन को यहां से क्या कर देगा? निकाल देगा, तो टेक किया इसने और आयोडीन यहां से क्या हो गया? निकल गया, और निकल गया तो आपके पास क्या बच जाएगा? यहां पे CH3 आ जाएगा, तो यानी ये आ गया आपके पास क्या? Na और I गया, तो यहां पे लग गया CH3 और यहां पे आ गया कार्बन, इस कार्बन से जुड़ गया। इसी तरह अगर एक्सेस में है तो क्या होगा? ये वाला माइनस अटैक करेगा दोबारा इस पे और यहां से आयोडीन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, तो मतलब यहां पर क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड का, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सी हो गया, और यहां पर क्या आ गया? CH3। ये आपके पास क्या आ जाएगा? लास्ट प्रोडक्ट एफ आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर अपना कौन सा हो गया? चार कार्बन की चेन है, चार कार्बन की चेन में दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? आयन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 2-आयन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर एक्सेस में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अगर इसकी रिएक्शन और आगे करें,
मान लीजिए यहां पर हम CH3I की रिएक्शन दोबारा करते हैं तो रिएक्शन यहां पर होगी नहीं, क्योंकि अपने को यहां पर लास्ट प्रोडक्ट देखना है, तो लास्ट प्रोडक्ट अपने पास यही आएगा, आगे रिएक्शन होगी नहीं होगी तो आंसर ब्यूट टू आयन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी, मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपको पूछा है, आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH Br और CH3 और एल्कोहलिक KOH दे रखा है, मतलब आपको एलिमिनेशन ही करना है इसके अंदर, तो एलिमिनेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गया CH2, ये है CH, यहां पे लगा हुआ है Br और यहां पर लगा दिया CH3, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया और ये भी बीटा कार्बन हो गया, तो Br निकलेगा, H कौन से कार्बन से निकलेगा, बीटा कार्बन से निकलेगा, तो बीटा कार्बन यहां पर भी दिया हुआ है और बीटा कार्बन यहां पर भी दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेजेफ का रूल फॉलो होगा और सेजेफ के अकॉर्डिंग, यहां पर सेजेफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेजेफ क्या कहता है, मोर एल्काइलेटेड एल्किन विल बी स्टेबल और एज ए मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो यानी यहां से अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH2, ये आएगा CH डबल बॉन्ड और यहां पर क्या आ जाएगा CH2, तो CHF प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये वाला, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, हाफमैन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर, और CHF प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, ए इज, ये आपको दे रखा है ए, यानी कि मेजर है ये वाला क्या है, मेजर है, और ये वाला क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ए इज मेजर प्रोडक्ट एंड बी इज माइनर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, ए इज माइनर ये नहीं होगा, बोथ ए एंड बी आर मेजर ये भी नहीं होगा, ओनली बी इज फॉर्म्ड, बनते क्या है, दोनों बन सकते हैं, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 की रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, अगर हम यहां से क्लोरीन को हटाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, 3° कार्बोकेटाइन बनेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3, और यहां पर चार्ज हो गया कौन सा, प्लस, मतलब क्या बन गया आपके पास, 3° कार्बोकेटाइन बन गया। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां से क्लोरीन जाएगा, और क्लोरीन जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2, और यहां पर चार्ज कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, 1° कार्बोकेटाइन यहां पे बना रहा है, और यहां पर कौन सा बना रहा है, 3° थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, C6H4 दिया हुआ है, C6H4 का मतलब ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, इसमें इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन कम हो गया, इधर क्या दे रखा है, CH2Cl, और CH2Cl का मतलब क्लोरीन जैसे ही हटाएंगे यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ये आ गया आपके पास CH3। ठीक है, तो थर्ड केस की अगर हम बात करें तो साफ दिख रहा है यहां पर कौन सा स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन की, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये आ गया आपके पास थर्ड ऑप्शन आ गया, ये आ गया थर्ड, उसके बाद में स्टेबल कौन सा है, 3° है या 1° है, तो इसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो क्या हो जाएगा, 3°, 2° और 1° का ऑर्डर रहता है इसके अंदर, SN1 के अंदर ऑर्डर क्या रहता है, 3° सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में 2° होता है, उसके बाद में 1° होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पर दे रखा है थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद में ये आपको 3° दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा, और उसके बाद में 1° यानी कि सेकंड वाला हो जाएगा, तो सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या दिया हमने, रीजन दिया थर्ड वाले केस के अंदर रेजोनेंस है, उसके बाद में फर्स्ट वाला जो है वो 3° बना रहा है, सेकंड वाला है जो 1° बना रहा है, इसलिए थर्ड नंबर सबसे ज्यादा
थर्ड नंबर जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद में आएगा कौन वन नंबर, और उसके बाद में आएगा कौन टू नंबर। तो ये ऑर्डर आपको कहां दे रखा है, थर्ड वन टू, थर्ड वन टू, ये देखो ये रहा थर्ड वन टू, मतलब अपना सही आंसर कौन सा हो गया, नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सी, सी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो CH3Br की रिएक्शन एल्कोहलिक KCN के साथ, मतलब आपके पास A क्या बनेगा, CH3CN बनेगा। रिएक्शन किसके साथ, CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये है क्या, माइनस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन। तो क्या हो जाएगा, यहां से ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो N पर माइनस आएगा, और N पर माइनस आएगा मतलब MgBr यहां पर जुड़ जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गया C, यहां पर आपने जोड़ दिया CH3, ये आ गया डबल बॉन्ड, और ये N, N के साथ कौन जुड़ जाएगा, Mg और Br। आगे रिएक्शन में क्या दे रखा है, ये हमने बना लिया B प्रोडक्ट। आगे दे रखा है आपको H प्लस H2, और H प्लस H2O का मतलब आपको क्या करना है, यहां से कर दो ब्रेक, यहां लगा दो ऑक्सीजन, और यहां लगा दो H2। तो क्या बन जाएगा, ये आ गया CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O प्लस, ये आ गया आपके पास Mg, इधर लगा हुआ है Br, और यहां पर लग जाएगा NH2। तो आपके पास आंसर क्या आया, एसीटोन, और एसीटोन का मतलब यहां पर आपको क्या दे रखा है, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन इज द करेक्ट आंसर, प्रोपेनॉल नहीं हो सकता, प्रोपेनॉल नहीं हो सकता, और प्रोपेनोइक एसिड भी यहां पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड लीड टू, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कार्बन है ये, हाइड्रोजन, 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 यहां पे हमने लगा दिया X, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, तो क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पर आ गया आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, ये आ गई आपके पास ट्रांजिशन स्टेट, तो X बन गया, और यहां पर क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और जैसे ही X निकलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, विन्यास में प्रतिपन यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहां पर अपने को देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और जिसे हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, SN2 पूछा है, SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ओनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, क्योंकि ओनली रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, अगर SN1 की बात करता तो रिटेंशन भी होता और इन्वर्जन भी होता, उस केस में होता रेसिमाइजेशन, तो अगर SN1 की बात करें तो क्या आएगा, रेसिमाइजेशन आएगा, और अगर SN2 की बात करें तो क्या आएगा बेटा, ओनली ओनली इन्वर्जन आएगा, only inversion of configuration, third answer क्या हो जाएगा यहां पर, सही हो जाएगा। next देखिए question number 33 में क्या दिया हुआ है, question number 33 में आपको दे रखा है, which of the following reactant gives the best method of preparation of alkyl halide, alkyl halide बनाने का best method कौन सा है, जब वह alcohol के साथ reaction करता है, और alcohol के साथ reaction करने का मतलब आपने ले लिया, मान लीजिए ROH ले लिया, और रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, देखो जिंक HCl के साथ, PCl5 और PCl3 की तुलना में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा बताते हैं हम, या कौन सा माना जाता है, डार्जन प्रोसेस को बोल सकते हैं। SOCl2 के साथ जब ये रिएक्शन करता है पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा RCl, क्या बनेगा आपके पास RCl, और साथ में क्या होगा, SO2 बनेगी, और आपके पास बन जाएगा HCl। तो SO2 बनी, इसका मतलब HCl और SO2 दोनों ही कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, दोनों ही कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो यहां पर जो RCl बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास,
प्योर बन जाएगा, और प्योर बनाने के कारण ही हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो डार्जन प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल की, तो क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है एल्किल हैलाइड बनाने का। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, प्योर बनेगा। प्योर क्यों बनेगा? क्योंकि जो SO2 है और जो HCl है वो दोनों कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा, प्योर बचेगा। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सी को अपने को आइडेंटिफाई करना है, यहां पर क्या बनेगा, क्या दिया हुआ है, CH2, CH2OH, क्या दिया हुआ है, CH2, CH2OH, रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ, वही रिएक्शन है डार्जन वाली, तो क्या हो जाएगा, OH यहां से भी निकलेगा, OH यहां से भी निकलेगा, आपके पास क्या बचेगा, CH2, CH2Cl, यहां आ गया CH2, CH2 और Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, KCN, KCN का मतलब क्या निकलेगा, क्लोरीन, क्लोरीन निकलने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, CH2, CH2Cn, और इधर भी क्या हो जाएगा, CH2, CH2, और ये आ गया CN। लास्ट में आपको दे रखे हैं 2 मोल H2 और H प्लस के, यानी साइनाइड, CN जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा क्या होगा, CH2, CH2COOH, और यहां है CH2, CH2COOH, ऐसे भी देख सकते हो आप, ये COOH हो गया, यहां पर CH2 हो गया आपके पास 4, और ये हो गया COOH, क्या बना, ऑक्सैलिक एसिड है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH और COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड, तो ये तो अपना आंसर है ही नहीं। दूसरा एडिपिक एसिड, तो अगर दो COOH ग्रुप में 4 CH2 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एडिपिक एसिड होगा, और अगर क्या होता है, सक्सिनिक एसिड की अगर हम बात करें, तो दो अगर आते हैं CH2 तो क्या हो जाएगा, सक्सिनिक, और एसिटिक एसिड आपको ध्यान है CH3 क्या हो जाएगा, COOH, ये है एसिटिक एसिड, तो अपना करेक्ट आंसर सही कौन सा हो गया, यहां पर एडिपिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। क्लोरमफेनिकोल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड हमें यहां पर देखने हैं कि कौन सा यहां पर सही तरह से मैच किया गया है, और इसके इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास है देखो क्लोरमफेनिकोल दिया हुआ है, तो क्लोरमफेनिकोल किस में काम में लिया जाता है, टाइफाइड फीवर में काम में आता है, बिल्कुल सही बात है। थायरोक्सिन किस में काम आएगा, गोइटर में काम आता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्लोरोक्वीन सब जानते हैं मलेरिया के लिए काम में लिया जाता है, और हेलोथीन, हेलोथीन है क्या, एनेस्थेटिक, तो चारों ही यहां पर जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, इसका मतलब अपना सही आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर आंसर इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट इन द गिवन रिएक्शन, डाउज प्रोसेस की ये रिएक्शन है, ये है आपके पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है किसके साथ, ये आ गया आपके पास क्लोरीन, यहां आ जाएगा आपके पास NO2, ये आ गया बॉन्ड, ठीक है, रिएक्शन NaOH के साथ, और NaOH के साथ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ये OH माइनस, ये प्लस, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, तो क्या होगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहां पर आ गया आपके पास OH, ये बॉन्ड आपके पास लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, और ये आ जाएगा NO2, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस,
और माइनस चार्ज आने का मतलब आगे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या होगा, वापस रोटेट होगा, इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो अगर हम इस NO2 को कुछ इस तरह से दिखा दें, N डबल बॉन्ड O और ये आ गया ऑक्सीजन माइनस, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यानी माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये Cl OH, ये बन गया बॉन्ड, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मतलब डबल बॉन्ड यहां आ गया, या गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पर क्या है नेगेटिव, इधर वाले ऑक्सीजन पर भी क्या है नेगेटिव, तो कोई सा भी चार्ज नेगेटिव ले सकते हैं। ये इधर जाएगा तो ये वापस शिफ्ट होके यहां चला जाएगा, यहां पर क्या लगा हुआ है बॉन्ड लगा हुआ है, बॉन्ड लगा हुआ तो ये टूट के नेक्स्ट पे चला जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आएगा यहां पर क्या हो जाएगा, सीएल ओएच क्या हो गया, माइनस चार्ज यहां आ गया, और सिंगल बॉन्ड एन, ये आ गया डबल बॉन्ड ओ, और ये आ गया ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये बॉन्ड लगा हुआ है आपके पास, यहां नया बॉन्ड बन गया, ये माइनस चार्ज, अब माइनस चार्ज इधर जाएगा और सीएल यहां से निकल जाएगा, और निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये OH आ गया, ये आपके पास जुड़ा हुआ था NO2 और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना, आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आपको आइडेंटिफाई करना था, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, इसका मतलब क्या बना है, कार्बोकेटाइन नहीं बना है, फ्री रेडिकल नहीं बना है, कार्बिन नहीं बना है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, आंसर नंबर टू कार्ब एनाइन यहां पर, क्योंकि कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहां पर क्या बन जाएगा आंसर, कार्ब एनाइन इज द, या कार्ब ऋणाइन जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीधा क्वेश्चन है, CH3Br प्लस AgF, CH3F और AgBr यहां पे बन रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, स्वार्ट्स रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फिंकेस्टीन होता तो एसीटोन भी आता, डार्जन SOCl2 के साथ होता है, और एडिशन रिएक्शन है नहीं, इसका मतलब जो सही आंसर होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, और यहां पर स्वार्ट्स अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो टाइप की होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन आता है इसके अंदर और फिंकेस्टीन रिएक्शन आती है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, स्वार्ट्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद ड्राई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड आपको दे रखा है, इट प्रोड्यूसेस क्या बनेगा, Rx की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड है आपके पास Rx, तो यहां पर लिया है आपने क्या, Ag2O लिया हुआ है, Ag2O का मतलब दो क्या है सिल्वर, तो दो मोल आपको क्या लेने पड़ेंगे, Rx के लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, AgX निकल जाएगा, मतलब 2AgX निकलेगा, और यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, ROR, यानी कि इथर इज द प्रोडक्ट, ये नहीं होंगे दोनों, ये अल्कोहल नहीं होगा, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, इथर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है बेटा, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मतलब ये आ गया आपके पास ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी यहां पर, ठीक है, उसके बाद में मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपके पास मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, और पेराडाइक्लोरोबेंजीन, और ये आ गया आपके पास क्या, पेराडाइक्लोरोबेंजीन, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर पेराडाइक्लोरोबेंजीन जो है सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरापोजिशन, सो इट क्रिस्टलाइज विद मोर एफिशिएंटली, और हम यहां कह सकते हैं सबसे जल्दी ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होगा, सबसे जल्दी मोर एफिशिएंटली क्रिस्टलाइज होगा, तो यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ जाएगा वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, यहां पर किसका हो जाएगा, पैरा का, और कितना वैल्यू कितनी होती है, 323 केल्विन, तो ये है आपके पास 323 केल्विन। अगर हम इसमें मेटा की बात करते हैं तो 249 होता है, 249 केल्विन, और अगर हम ऑर्थो की बात करते हैं तो ऑर्थो होता है आपके पास 256 केल्विन, तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट पूछा है सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पैरा का, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पैरा का सबसे ज्यादा हो जाएगा, कितना, 323 केल्विन, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सबसे ज्यादा सिमेट्री है, और सिमेट्री होने के कारण एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा इट क्रिस्टलाइज विद मोर एफिशिएंटली, ओके, तो आंसर इज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40,
40 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ Cl2H𝜇 के साथ रिएक्शन करनी है, Cl2H𝜇 के साथ रिएक्शन करनी है, इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर बनेगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल बनने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर फ्री रेडिकल बनने का मतलब ये हो गया कि ये आपके पास क्या है, जो रिएक्टेंट दिया हुआ है Cl2H𝜇 के साथ जब रिएक्शन करेंगे हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास इसकी एलाइलिक पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली, यानी यहां पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, और स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा इसका मतलब क्लोरीन कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा सही, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मेन प्रोडक्ट आपको देखना है इसके अंदर, अगर मेजर की बात की जाए तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो सही फर्स्ट है, और अगर माइनर प्रोडक्ट भी अगर इसमें पूछा जाता तो उस केस में आपके पास ये बन जाता, लेकिन अपने को जो आंसर इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर हम देखते हैं तो कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग हेलो एल्केन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज, C3H7Br, arrange the following halo alkane in the increasing order of their densities। First option आपको क्या दे रखा है, C3H7Br। Second option क्या दे रखा है, C3H7I। Third option दिया हुआ है C3H7Cl। तो यहां पर कार्बन की चेन तीनों के अंदर क्या है, सेम है, लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन दिया हुआ है, तो डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसका मास देखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ द कंपाउंड के। तो यहां पर मास सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आयोडीन का मास सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद में कौन है, ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद में कौन है, क्लोरीन आ जाएगा। तो यहां पर आयोडीन यानी ये वाला सबसे ज्यादा डेंसिटी दिखाएगा, तो ये हो गया C3H7I, मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी इस केस में। उसके बाद में कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो क्या हो जाएगा, C3H7Br, और उसके बाद में कौन चला जाएगा, C3H7Cl। तो जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, सेकंड के बाद में कौन आ गया, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद में कौन आ गया, थर्ड। तो सेकंड, वन और थ्री यहां पर दिया हुआ है, तो मतलब अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड आंसर इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CH3Br प्लस NaI ड्राई एसीटोन की रिएक्शन, मतलब आपके पास रिएक्शन कौन सी है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपको करना है यहां पे, तो CH3I हो जाएगा, CH3I प्लस NaBr, ड्राई एसीटोन दिया हुआ, फिंकेलस्टीन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो आपको पूछा है x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, CX क्या हो जाएगा, CH3I हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दे रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमीन, ब्रोमीन आपको दिया हुआ है एक्सेस में, अटैक्स, ब्रोमीन दिया हुआ है एक्सेस में, मतलब इसमें ये हो गया कि यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां से भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो आपको ब्रोमीन एक्सेस में दिया हुआ, इसका मतलब अगर हम यहां फर्स्ट कार्बन का ब्रोमीन अगर यहां पर जोड़ें तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH,
एक वैलेंस इसकी फ्री, मतलब एक बी आर यहां लग गया, एक वैलेंस इसकी फ्री मतलब एक बी आर यहां लग गया। उसके बाद में चलते हैं आगे, ये आ गया सी एच टू, उसके बाद में कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो एक वैलेंस इसकी फ्री तो ब्रोमीन यहां आ जाएगा, एक वैलेंस इसकी फ्री तो मतलब ब्रोमीन यहां आ जाएगा, और उसके बाद में अगर हम डबल बॉन्ड दूसरे को भी हम ब्रेक अगर कर देते हैं तो उस कंडीशन में फिर वैलेंसी फ्री होगी, तो ब्रोमीन यहां भी लगेगा और ब्रोमीन यहां भी लगेगा, और ये आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो जितनी भी पोजीशन है आपको क्या करना है, सभी पोजीशन पे आपको ब्रोमीन लगाना है, क्योंकि ब्रोमीन यहां पर दिया हुआ है, एक्सेस के अंदर दे रखा है, और एक्सेस में अगर होगा तो अपना सही आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का मतलब CH3Cl, CH3Cl ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया के एक्सेस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3NH2 क्या बन जाएगा, CH3NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और Cl यहां से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो क्या बच गया अपने पास, CH3NH2 यानी मिथेन एमीन बन गया, क्या बन गया, मिथेन एमीन, ये आ गया आपका आंसर मिथेन एमीन। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड नंबर। एक्सेस में कौन दिया हुआ था, एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया एक्सेस में दिया हुआ होता है उस केस के अंदर, और अगर CH3Cl एक्सेस में दिया होता उस केस में रिएक्शन और आगे प्रोसीड होती। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, द मॉलिक्यूल टू बी एडेड, अडेंडम का मतलब जो मॉलिक्यूल एड किया जाना है, adds on the carbon atom of the double bond containing the least number of hydrogen atom। यहां पर क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास double bond दिया हुआ है तो क्या होगा, यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया H और यहां पर आ गया CH2, है ना, तो इस कंडीशन में मान लीजिए क्या करना है, नेगेटिव पार्ट, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आपको ऐड करना है, माइनस आपको ऐड करना है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल एडेड ऑन दैट कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्या कह रहा है, कम संख्या वाले दोहरे बंधन के कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है, तो कम संख्या वाला मान लीजिए ये वाला है, तो इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उस नियम को, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, उस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल, क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल। और अगर परोक्साइड की हम बात करें तो परोक्साइड के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और अगर सेजेफ की बात करें तो सेजेफ का मतलब क्या होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्किन विल बी स्टेबल, और फ्रंट हाफ का तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं है, तो सही आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, ए कंपाउंड कंटेनिंग टू OH ग्रुप अटैच्ड टू वन कार्बन एटम इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है, अगर किसी एक ही कार्बन पे दो OH लगे हुए हैं इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फॉलोइंग इज स्टेबल, बस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल, लेकिन इनमें से स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला तो स्टेबल है नहीं, क्योंकि क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बना लेगा, यहां पर क्या बनाएगा, कीटोन बना लेगा, यहां पर क्या दे रखा है, CL3 का मतलब यहां पर क्या आएगा, कार्बन, तो ये है कार्बन से जुड़ा हुआ है, CCl3 हो गया, उसके बाद में क्या है, CH और यहां है OH और यहां पर क्या है, OH, तो CCl3 यहां पे आपको करना, ध्यान रखना है, ये CCl3 यहां पे दिया हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्लोरल हाइड्रेट, और क्लोरल हाइड्रेट में क्या होता है, क्लोरीन, ये आ गया आपके पास क्लोरीन और ये आ गया आपके पास क्लोरीन, यहां पे जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन, ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन, ये आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन बाकी जो है वह बाकी क्या है, अनस्टेबल है, तो यहां पर बिकॉज ऑफ आंसर हम क्या दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये आंसर यहां पर अपने को सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। में दिया हुआ है मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? एल्किल हैलाइड है आपके पास, कार्बन जुड़ा हुआ है एक्स के साथ, और ये इसकी तीनों वैलेंसी होगी। तो फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है और आयोडीन दे रखा है। तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन के साथ ब्रोमीन, सॉरी सीएल, कार्बन के साथ बीआर और कार्बन के साथ आयोडीन। तो डाउन टू द ग्रुप अगर हम जाते हैं, डाउन टू द ग्रुप अगर जाते हैं तो साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइज क्या होती है? इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इफ साइज इज इंक्रीजिंग देन बॉन्ड लेंथ विल आल्सो इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई बच्चों? कार्बन आई की, यानी एल्किल आयोडाइड की। यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। एल्किल हैलाइड आर कंसिडर टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे हैव एन इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे बात क्या हो रही है? कार्बन आपके पास जुड़ा हुआ है एक्स के साथ। किसके साथ? एक्स के साथ, है ना। तो यहां पर मान लीजिए इसको आर भी मान सकते हैं। ये आपके पास आ गया एक्स, एल्किल हैलाइड हो गया। वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल क्यों है कंपाउंड? क्योंकि इस पर आर पर हमेशा क्या बनता है? पॉजिटिव, और एक्स पर क्या बनता है? नेगेटिव। इसलिए जो आर है वो क्या हो जाएगा, यानी अगर हम इसको कार्बन माने तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और यहां पर एक्स दिया हुआ है तो एक्स क्या होता है? लिविंग ग्रुप। तो यहां पर क्या है? एक्स बैड लिविंग ग्रुप दे रखा है, तो ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। दे हैव ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन लास्ट वाले में क्या दे रखा है? दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन एंड ए गुड लिविंग ग्रुप। यहां पर लिविंग ग्रुप भी, ये एक्स जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए जो फोर्थ आंसर आएगा वो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है तथा अच्छा निष्कर्षित समूह है जुड़ा होता है। मतलब कार्बन के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, मतलब एक्स अच्छा निष्कर्षित समूह है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है या अच्छा लिविंग ग्रुप है। और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो फोर्थ आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई प्रोडक्ट सी। सी को आपको आइडेंटिफाई करना है, सी क्या दिया हुआ है ना। तो सी एच थ्री सी एच, ये सी एल है और यहां पर है सी एच थ्री, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये आपके पास बीटा हो गया, ये आपके पास बीटा हो गया। एल्कोहलिक KOS दिया हुआ है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को आप निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा? सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बन गया आपके पास, क्या A बन गया। A की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है? एच बी आर और परोक्साइड के साथ। एच बी आर और परोक्साइड के साथ रिएक्शन करने का मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल लग गया। तो बी आर कहां जुड़ेगा? बी आर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास? सी एच थ्री, ये आ गया सी एच टू, ये आ गया आपके पास सी एच टू बी आर, ठीक है। आपके पास क्या आ गया? बी प्रोडक्ट बन गया। अब रिएक्शन किसकी है? एक्वस KOH की है। तो एक्वस KOH की रिएक्शन होगी तो बी आर को हटा देना है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, और क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। मतलब अपने पास आंसर क्या आ गया? प्रोपेनॉल आ गया, वन प्रोपेनॉल। तो यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वन प्रोपेनॉल आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगर परोक्साइड ये वाला नहीं दिया होता, अगर परोक्साइड नहीं दिया होता तो उस केस में मार्कोनिकोव होती, और मार्कोनिकोव के अंदर क्या होता? बीआर जुड़ता इस कार्बन पे और इस कार्बन पे जुड़ता। तो अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते तो इसी कार्बन पे क्या लग जाता? OH लग जाता। उस केस में आपके पास टू प्रोपेनॉल बन जाता है ना। तो लेकिन यहां पे परोक्साइड दिया हुआ है, इसलिए आंसर सही कौन सा हो जाएगा? वन प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 50, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछा गया, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है?
आपको देखने नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखो यहां पर तीन दे रखे हैं, बाकी सबके अंदर चार है। यहां पर आपको स्ट्रेट चेन दे रखी है, यहां पर आपको स्ट्रेट चेन दे रखी है। तो ध्यान रखना है कार्बन ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो यहां पर आपका वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन कितने हैं तीन। दूसरी बात यह कि स्ट्रेट चेन आइसोमर अगर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो स्ट्रेट चेन आइसोमर आपके पास क्या है, ये वाला है, तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा 375 केल्विन के आसपास, या जाएगा 375 केल्विन, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट ये 2 डिग्री है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना हो जाएगा, लगभग इसका 364 या 365 के आसपास, या जाएगा 365 केल्विन। और यहां पे ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहां पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है कितना आएगा, 346 केल्विन के आसपास आ जाएगा। तो अपने को पूछा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, चार कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां पर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म रिएक्टिविटी विल बी, SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो SN2 की अगर हम बात करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां लगा हुआ है अपने पास मान लीजिए Cl। रिएक्शन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा, तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये कार्बन आ गया और यहां पर आपके पास क्या बना हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब न्यूक्लियोफाइल, और यहां से क्लोरीन निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका अरेंजमेंट कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि क्या है, अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गई, अनस्टेबल। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी Cl यहां से निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली यहां पे जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया कार्बन, और वापस हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे ज्यादा SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी किसके प्रति होती है, 1 डिग्री के प्रति, उसके बाद में 2 डिग्री के प्रति, उसके बाद में 3 डिग्री। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, और 52 में पूछा है क्लोरोबेंजीन, ये है आपके पास क्लोरोबेंजीन, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनोल, इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, फिनोल में करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फिनोल के अंदर। तो फिनोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, NaOH की रिएक्शन करनी है, साथ में 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर, या फिर 320 भी कई बुक्स में दिया हुआ रहता है, 300 या 320 ATM आपको यहां पर ध्यान में रखना है, डाउज प्रोसेस, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, NaOH हो, 623 केल्विन हो और 300 ATM प्रेशर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये OH न्यूक्लियोफाइल है, यहां जाएगा यहां वाला बॉन्ड, इधर शिफ्ट, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर जाएगा, ये वाला इधर माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके बाद में ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, तो यहां से क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, और 53 में क्या दे रखा है, C2H5HCS3। देखो यहां पे C2H5 लगा हुआ है, यहां भी C2H5 लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगाया हुआ है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां CS3 है, यहां भी CS3 है, चेंज क्या है, सिर्फ X की जगह आपने यहां पर क्या जोड़ दिया, Y जोड़ दिया, मतलब यहां पर ये एग्जांपल किसका हो गया, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रिटेन है, इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए आंसर अपना क्या जाएगा, रिटेंशन, कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, कोई रेसिमाइजेशन नहीं बताया हुआ है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, धारण या रिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड
H2SO4 और HNO3 के साथ करने पर, H2SO4 और HNO3 के साथ करने पर नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन का मतलब HO और ये आ गया NO2 आपके पास, ठीक है ना। तो HO और NO2 इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा NO2, तो क्या हो जाएगा आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपके पास NO2 ग्रुप लग जाएगा, मतलब आपके पास ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्थो पोजिशन ये वाली आ गई आपके पास ऑर्थो प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा पैरा, ये आपके पास आ गया पैरा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट के अंदर NO2 बिल्कुल नहीं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं, ऑर्थो पे दिया हुआ है, हालांकि यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर मेटा दे रखा है, यहां पर पैरा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन में यहां पर दे रखा है ऑर्थो और यहां पर दे रखा है पैरा, तो यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, एल्कोहलिक KOH मतलब ये है आपके पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन से क्या बन सकता है, तो मेजर प्रोडक्ट अपने को यहां देखना है, और मेजर प्रोडक्ट के अंदर अपने को अगर हम बात करें तो यहां से अगर CH3 दिया हुआ है, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, तो क्या होगा देखो, यहां से CH3, ये आ गया CH डबल बॉन्ड C और ये आ गया H और यहां पर आ गया CH3। एक तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है CH3, ये आ गया आपके पास CH2, ये आ गया CH डबल बॉन्ड क्या आ गया CH2। तो यहां पर अगर हम CHF की बात करें, देखो फोर्थ वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर ये नॉर्मल एल्केन दिया हुआ है, तो एल्केन तो यहां पे होगा नहीं। अब ऑप्शन के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है ये वाला प्रोडक्ट, इसका मतलब ये CHF रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मोर एल्काइलेटेड होना चाहिए, और मोर एल्काइलेटेड यहां पर कौन सा होगा, यहां पर या तो सेकेंड हो सकता है या यहां पर थर्ड हो सकता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करें कि मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में से, क्योंकि ये भी क्या है मोर एल्काइलेटेड है और ये भी क्या है मोर एल्काइलेटेड है, लेकिन दोनों के अंदर अगर हम मेजर की बात करें तो ट्रांस जो होगा वो हमेशा क्या बनेगा, मेजर बनेगा एज कंपेयर टू सिस, तो ये तो क्या हो जाएगा सिस और ये क्या हो जाएगा ट्रांस, तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट को क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो यहां आंसर सही कौन सा जाएगा, नंबर 3, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, सिंपल क्वेश्चन है, 56 में आपको दिया हुआ है ड्राई इथर और सोडियम की रिएक्शन, यानी फिटिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास है एक्स रिएक्शन किसके साथ, 2Na के साथ, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स आ जाएगा, ये आपका निकल गया 2NaX और क्या बन जाएगा डाइफेनिल, तो किसका एग्जाम्पल है फिटिंग रिएक्शन का, ये एग्जाम्पल हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन तो क्या होगा, अगर R आता यहां पे तो वुड्स हो जाती, अगर एक मॉलिक्यूल R आता और एक AR आता उस केस में क्या हो जाती वुड्स फिटिंग आ जाती, और उल्मान कब होता जब कॉपर और आयोडीन आता उस केस में क्या हो जाती ये उल्मान, तो तीनों ऑप्शन यहां पर क्या हो गए गलत हो गए, फिटिंग अपना यहां पर क्या चला जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दे रखा है देखो बच्चों, 57 में आपको दिया हुआ है देखो NBS का मतलब आपको अलाइलिक पोजीशन पे BR जोड़ना है, NBS के दो मोल दे रखे मतलब अलाइलिक पोजीशन पे आपको क्या जोड़ना है BR, तो अलाइलिक पोजीशन कौन सी हो जाएगी, अगर हम बॉन्ड को इस तरह से माने तो ये डबल बॉन्ड इसकी अलाइलिक पोजीशन हो गई ये वाली, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा CH2, ये आ गया BR और ये आ गई आपके पास रिंग, और रिंग के अंदर दो मोल दे रखे हैं तो दोनों साइड से ही अपने को क्या अलाइलिक पोजीशन देखनी है, तो ये आ गया BR और ये आ गया CH3, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है KCN का वन मोल दिया हुआ है, इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, और SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज्यादा किसका होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, मतलब जो सी एन जुड़ेगा वो कौन से ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, यानी यहां से जो ब्रोमीन निकल जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, सी एन, मतलब आपके पास क्या आ गया, सी एच टू सी एन, और ये आपके पास एज इट इज क्या बच गया, सी एच बी आर और सी एच थ्री, है ना। तो यानी यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहां पर देखो बी आर लगाया हुआ है जबकि हमने यहां पे सी एन लगाया, मतलब ये आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर सी एन है मतलब ये करेक्ट है, और यहां पर बी आर है मतलब ये भी करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। यहां पर इसने बी आर नहीं लगाया मतलब गलत हो गया, यहां पे कुछ नहीं लगाया मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 में आपको क्या दे रखा है, विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एन एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है, तो ये हो गई ROH प्लस HCl, ZnCl2 और HCl। तो यहां पर रिएक्शन से RCl बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3RCl बन जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। PCl5 के साथ अगर हम करें तो ROH प्लस PCl5, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। लेकिन नंबर 4 रिएक्शन, ROH की रिएक्शन अगर हम KMnO4 के साथ करते हैं तो आपका एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या पूछा था, कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर, तो किसको हम यूज नहीं कर सकते, KMnO4 को हम यहां पर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, और 59 में क्या दिया हुआ बच्चों, 59 में दे रखा है वेन एक्सेस एल्किल हैलाइड, यहां पर आपको एक्सेस में एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, मतलब मैं यहां ले लेता हूं CH3Cl, या RX भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3Cl ले लिया, रिएक्शन किसके साथ करनी है, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या बनेगा। तो यहां पर देखो दिया हुआ है एक्सेस एल्किल हैलाइड, अगर आपको अमोनिया एक्सेस में दिया होता उस केस में आपके पास 1 डिग्री एमीन बन जाता, और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, CH3NH2, ये बन गया 1 डिग्री एमीन। लेकिन यहां पर एक्सेस में कौन है, CH3Cl है, मतलब दोबारा रिएक्शन होगी, मतलब CH3Cl दोबारा रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा, वापस HCl निकलेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3Hol2, और ये बन गया NH, मतलब यहां आ गया 2 डिग्री एमीन। अब इसकी क्या होगी, दोबारा रिएक्शन होगी, और दोबारा रिएक्शन होगी तो ये लिख दिया हमने CH3Cl, वापस H और Cl निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3Hol3N, मतलब आपके पास क्या बन गया, 3 डिग्री एमीन बन गया। अब भी ये रिएक्शन अगर करता है तो उस केस में ये हमने ले लिया CH3Cl, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 का होल 4, ये आ गया कार्बन, CH3 का होल 4, और ये आ गया कार्बन, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, और कार्बन पर आ गया N, और ये आ गया आपके पास X-, यानी क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। देखो ये तो हो गया आपके पास क्या, 1 डिग्री एमीन, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री एमीन, ये हो गया आपके पास 3 डिग्री एमीन, और ये हो गया आपके पास 4 डिग्री, यानी कि क्वार्टनरी साल्ट हम जिसको बोल सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। मतलब रिएक्शन कौन सी है, हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, हाफमैन अमोनोलाइसिस, और लास्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो एल्केन एमीन नहीं बनेगा, एल्केन नहीं बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, और यहां पर सही आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड नेम ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो का मतलब Cl3, ठीक है, और मीथेन का मतलब एक कार्बन, और वैलेंसी पूरी कर दो क्या बन जाएगा, CHCl3, और CHCl3 का जो ट्रेड नेम होता है वो क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, क्या होता है,
क्लोरोफॉर्म। तो सही आंसर यहां पर कौन सा होगा, नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।